ऑप्टिकल ऑप्टिक्स है, मतलब रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स हम लोग ने ना बहुत ऐसा आराम आराम से किया, आराम आराम से किया मतलब क्या हुआ, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर दो लेक्चर हुए, उसके बाद फिर वो फ्राइडे वाला 25th आया, फिर 31st आया, ठीक है, तो अलग अलग चीज आते गई। तो हम लोग अभी क्या करते गाइस, अभी आज का मतलब मंडे का लेक्चर एंड फ्राइडे का लेक्चर, फ्राइडे का लेक्चर के बाद मोस्टली पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं शायद से एक लेक्चर और लूंगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लेंसेज, प्रिज्म और उसका कॉम्बिनेशन और फिर वेलोसिटी, फिर थोड़ा सा अपर लेवल का लेक्चर जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फ्राइडे का लेक्चर होगा थोड़ा सा अपर लेवल का रहेगा, आज का भी अच्छा खासा मैं कराऊंगा, मतलब कंसेप्ट तो सारे पढ़ाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने जो भी अभी तक मिस किया हुआ है, अपने तीन लेक्चर्स हुए राइट, कितने लेक्चर्स हुए एक्चुअली, तीन, उसमें से दो लेक्चर इंपॉर्टेंट थे, मतलब पहला लेक्चर तो मैंने बोला था ना, वो तो औरंगाबाद वाला लिया था। तो बेसिकली अपने दो लेक्चर्स हुए रे ऑप्टिक्स के ऊपर जो कि एक्चुअल कंटेंट वाले हैं। तो आपको दो लेक्चर और ये आज का तीसरा लेक्चर, तीनों तीन लेक्चर देख लो, क्योंकि फ्राइडे को आपका डाइट इसी के ऊपर होगा, ठीक है, जो आज तक मैं पढ़ाऊंगा, और संडे को आपका वैट होगा जो कंप्लीट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद मैं ये बैच में स्टार्ट करूंगा वापस, जो अपना रोटेशनल मोशन मैंने अंदर अटकाया था उसको मैं कंप्लीट करूंगा, और उसके बाद ही हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे जंप मारेंगे, ठीक है। अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को सेशन जो है वापस, अब तक देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारा मैथ्स इन्वॉल्व, राइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा मैथमेटिकल ही है, तो वो मैकेनिक्स की तरह ही हो गया, मैकेनिक्स की तरह ही हो गया, लेकिन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा का पूरा अलग है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस भी है, थोड़ा सा वो केमिस्ट्री टाइप का भी फील कभी कभी लाता है, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पहले मैं एक अपना जो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो अपन चल रहा था रोटेशनल मोशन, उसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के बाद हम लोग रोटेशनल मोशन पे जाएंगे, ठीक है। उसके पहले जो पैरेलली अपना ये जो बैच थ्री है, ठीक है, जो बैच थ्री का अपना अगले हफ्ते में, मतलब अगले इस फ्राइडे से सर्कुलर मोशन यस, तो सर्कुलर मोशन, तो आपको दो लेक्चर्स बैठना है, आपको सर्कुलर मोशन में भी बैठना है और रे ऑप्टिक्स का लेक्चर भी बैठना है, ठीक है। फिर सर्कुलर मोशन वहां पे चलता रहेगा, फिर आपका सर्कुलर मोशन वर्क एनर्जी पावर। तो जिन लोगों को बैच एंड बैच वन एंड टू में सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम है गाइस, याद रखो, जिनको सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम है या वर्क एनर्जी पावर में प्रॉब्लम है, 11 to 1:30 मेरे लेक्चर चलते रहेंगे और एक से डेढ़ महीना, ठीक है, बैच थ्री के ऊपर जो 11 to 1:30 का टाइमिंग होगा। तो 11 to 1:30 आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा, बैच वन एंड टू के लिए जिनको बैठना है बैठो, बैच थ्री के लिए वो मैंडेटरी है, मतलब बैठना ही है, ठीक है। और तो बैच थ्री के लिए दो लेक्चर्स होंगे, 11 to 1:30 एंड 3 to 5:30, ये दो लेक्चर्स में चलेगा, ठीक है। लिंक में भेजने के लिए बोल दूंगा सब बैचेस में, कुछ ऑप्शनल जिनको बैठना है सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, कोलिजन, वो पूरा का पूरा तीन टॉपिक चलते रहेंगे, तो आप उसमें बैठ के फिल कर सकते हो उसको, ठीक है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं, मुझे स्क्रीन शेयरिंग करने दो। ठीक है, तो गाइज जैसे हम लोग ने पढ़ा था, मतलब जिस तरीके से हम लोग ने, मैं आपको छोटा सा क्विक रिवीजन देता हूँ, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में आपको बोलता हूँ, एक मतलब देता हूँ, ठीक है। हम लोग ने अब तक क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एकदम सिंपल वे में बोलता हूँ। पहले हम लोग ने पढ़ा था मिरर, ठीक है,
तो पहले हम लोग ने कुछ मिरर्स पढ़े थे, मिरर मतलब तीन टाइप के मिरर थे, आपको सबको याद होगा तीन टाइप के मिरर, एक था प्लेन मिरर, ठीक है, दूसरा ये वाला एच टाइप का मिरर था, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है, और एक था ऐसे कॉन्वेक्स मिरर। सब लोग अपना म्यूट रखो, कुछ भी मतलब माइक म्यूट रखो। तो प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये तीन टाइप के मिरर थे, ठीक है, जिसमें प्लेन के तो ठीक है, लेकिन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए ये जो होती थी उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे हम लोग, फिर पोल होता था, फिर हम लोग ने बोला था ये सारा चीज जो है बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल चीज है, ठीक है। तो जितने भी रेज हम लोग बात करते हैं सारे के सारे बेसिकली कौन से रेज होते हैं, पैरेक्सियल रेज होते हैं, ये सारे के सारे पैरेक्सियल रेज, मतलब जो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के आजू बाजू में है, ठीक है। तो आपने देखा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह बहुत ही कम होती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो भी सेंटर होगा इसका, ये कोई ना कोई ऐसा बड़ा सा स्फीयर होगा उसका ये पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो रहा है क्या, एक मिनट सर आवाज अटक रही है आपकी, आई नहीं रही है सर। यस सर, आई नहीं रही थी। यस यू फ्रीज आउट, आवाज अटक रही थी, एक मिनट रुको जरा। वीडियो पूरा फ्रीज है, लाइक सर्कल आपने बनाया था वहां पे से फिर दिखाएंगे। हाँ ठीक है, मैंने भी सुबह सुबह अपना नेट का स्पीड देखा था, थोड़ा सा गंदा था, अभी मुझे लगता है कि अभी मैंने जियो पे डाला हुआ है, अब देखो सही है क्या। यस सर, यस सर, अभी ठीक है ना। हाँ तो क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा वाईफाई का, न्यू ईयर में वाईफाई थोड़ा सा पंगा हो गया उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/v + 1/u = 2/r, तो और इज इक्वल टू 1/f, राइट, ये मेरा फॉर्मूला था। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस v by u माइनस v by u। इसमें मैं एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे इस केस के लिए इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब मैंने आपको एक सिंपल सा बात बोला था, आपको क्या करना है, आपको साइन कन्वेंशन डालना है। साइन कन्वेंशन मतलब ऐसे एक एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, आपने सपोज इधर पॉजिटिव मान लिया, इधर निगेटिव मान लिया, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो अब मुझे बताओ, सपोज मैंने इसमें ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग यू बोलते थे। अब यू यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, निगेटिव, तो यू निगेटिव हो गया, आर भी क्या हो गया इसमें, निगेटिव हो गया, आर निगेटिव हो गया। तो जो भी वी आएगा वो कैलकुलेट करो इस फॉर्मूला से, और फिर मैग्निफिकेशन पूछा होगा तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे डाल दो। तो ये था हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर ना। Yes, तो इस तरीके से दिया था। फिर इस जैसे कि इस केस में, अब इस केस में आप देखोगे, इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो इस केस में, और मैंने सपोज ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा हुआ है, तो अब मुझे तो ऑब्जेक्ट का यू क्या होगा इस केस में, negative. हाँ तो यहाँ पे यू जो नहीं, यू निगेटिव होगा, लेकिन आर क्या होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ है। तो देखो ये साइन कन्वेंशन ना आपको पहले तो आना चाहिए, बस एक बार साइन कन्वेंशन आपको आ गया, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना, आपका काम खत्म। अब मैंने एक सिंपल सी चीज बताई थी, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्लेन सरफेस के लिए इट टेंड्स टू कितना होता है, इनफिनिटी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंड्स टू इनफिनिटी, तो यहाँ पे अपन इस फॉर्मूला में आर को इनफाइनाइट डालते हैं, आर को सपोज इन्फिनिटी डालते हैं, तो 2/r, मतलब 2/∞ क्या होता है, जीरो। तो 2/∞ जीरो होता है, तो यहाँ पे वी की वैल्यू किसके बराबर आई, माइनस यू। और एक चीज ध्यान में रखना, हम लोग ने एक चीज बोली थी इमेज ट्रेसिंग, मतलब रे को ट्रेस करना, इमेज को ट्रेस करना, मतलब रे के साथ चलना, रे को देखते रहना, ठीक है। अब मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज को ट्रेस करना है, मतलब क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, एक रे ऐसे आई इसके ऊपर गिरी, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम लोग एक यहाँ से यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया,
फिर एंगल ऑफ, फिर ये रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली गई, अब एक रे तो ऐसे आके रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई और यहाँ पे मिल गया, तो ये चीज क्या होगी, इमेज हो गई। तो इस तरीके से रे को ट्रेस किया जाता है, ठीक है। तो रे को ट्रेस करने के लिए एक तो रे कहां से लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा वापस आएगा बराबर, तो पोल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गिरेगा सिंपली वैसा का वैसा आएगा। और दूसरा रे के लिए वो अपना नॉर्मल मतलब नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, अभी भी स्क्रीन स्क्रीन लैग हो रहा है क्या? नो सर, लैग हो रहा है क्या? नो सर, स्क्रीन स्क्रीन पे ले तो थोड़ी दिख रहा है क्या? नहीं सर, मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, वो थोड़ा सा अभी मतलब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अभी। चलो तो अब ये था बेसिकली। हाँ बोलो सर। आई हैव अ डाउट, जो मैग्निफिकेशन हम बोलते हैं दैट इज एक्चुअली लाइक मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मतलब क्या, कितने, सपोज मैंने बोला कि m की वैल्यू यहां पे 2 आई, m की वैल्यू सपोज 2 आई, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ, 2, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर ना भाई, डबल हो गया ना। मतलब मैग्निफिकेशन क्या दिख रहा तेरे को, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ओके सर, मतलब रेशियो है वो। हाँ रेशियो है वो ना, रेशियो है, तो उसका वैल्यू सपोज 2-3 जो भी आएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू क्या, माइनस वी बाय यू। मैं एचसी वर्मा के डाउट जो है गाइस, मैं एचसी वर्मा के डाउट अगले लेक्चर में करवाऊंगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह जब पूरा का पूरा वो होगा। आप थोड़ा ट्राई करो, क्योंकि वो क्या 31st आने वाला था, न्यू ईयर अंदर आने वाला, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दिए। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद वापस एचसी वर्मा आपको टारगेट ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद मतलब आज के बाद थोड़ा सा और आपका दिमाग चलना चालू होगा, फिर अपन अगले इसमें उसको लेक्चर मतलब अगले इसमें, क्योंकि 2 लेक्चर में और लेने वाला हूं मैंने आपको बोला है, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे अब। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये होने, ये मिरर होने हो गया, ठीक है। अब मिरर के बाद मैंने एक सिंपल सा चीज बोला था, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक चीज कभी भी ध्यान में रखना, मिरर में जब रेज होते हैं ना, जब रेज इधर से उधर ट्रेवल नहीं करते, रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक मिरर डाल दिया है, तो एक चीज हमेशा, ये एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, इमेज कौन से कोई टाइप की होती है, आइदर रियल होगी या वर्चुअल होगी, ठीक है। तो रियल वर्चुअल हो सकती है, या फिर वो इमेज जो होगी वो मैग्निफाइड हो सकती है या डिमिनिश्ड हो सकती है, या इवन इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड हो सकती है। मतलब इन्वर्टेड मतलब नॉन इन्वर्टेड मतलब क्या, उसी तरफ हो गई तो नॉन इन्वर्टेड हो गई, उल्टी हो गई तो इन्वर्टेड हो गई, समझ में। तो ये सारे टर्म्स यूज होते हैं, राइट। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, कभी भी ये है मीडियम 1 और ये मीडियम 2, कभी भी मिरर में लाइट जो है, लाइट रे मीडियम 2 में एंटर मारती है क्या? नो सर, नहीं मारती। no, sir. उसी तरफ आना है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, रियल इमेज क्या होती है, व्हाट इज रियल इमेज? जब सारे रेज एक्चुअल में मिलते हैं तब रियल बनता है। Yes, sir. तो, yes, sir. तो मुझे बताओ सपोज मतलब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और इमेज सपोज इधर इस तरफ आ रही है, इसका मतलब इमेज इस तरफ आ रही है, इसका मतलब एक्चुअल में रेज कभी पास होते क्या? वो वर्चुअल इमेज होगी। तो मिरर में ना, मिरर में सपोज यू का साइन निगेटिव होगा और वी का साइन पॉजिटिव हुआ, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इमेज वर्चुअल वर्चुअल है ना। कभी भी जैसे कि मतलब मैंने साइन कन्वेंशन एक ही फॉलो किया और साइन कन्वेंशन यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ पे निगेटिव होगा, कभी भी वी पॉजिटिव आया इसका मतलब हमेशा वो इमेज क्या रहने वाली है? वर्चुअल इमेज रहने वाली है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आप जब रिविजन करते हो ना, रिविजन तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट लिख के रखने के और रिविजन इस तरीके से करने का, मतलब पूरा का पूरा याद नहीं रखना है कि ये सेंटर के यहाँ पे, सेंटर के उधर पे, फोकस पे रखा तो क्या होगा, ये सब कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। और सिंपल जैसे मैंने सपोज पैरेलल रेज भेजे, मैंने सपोज ये रेज सारे के सारे से पैरेलल भेजे, तो पैरेलल रेज को क्या करता है मिरर, क्या करता है एक जगह पे क्या करवाता है? ऐसा करके कॉन्वर्ज, हाँ मतलब फोकस करवाता है। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस, एफ, जो भी अपन ने देख लिया था कि मतलब मेरा एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, 1/u + 1/v = 2/r, ये मेरा एक्चुअल डेरिवेशन से फॉर्मूला आता है, जिसमें मैं u की वैल्यू क्या डालता हूँ इनफाइनाइट, u की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दी, तो जो इमेज बनी वो फोकस पे बन गई, तो यहाँ पे 1/f = 2/r, इसीलिए मैं 2/r को 1/f लिखता हूँ। ये मैंने आपको करवाया था मिरर में,
जस्ट मैं एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ क्योंकि ये दो से मेरे को क्या है ना, मतलब मेरा ऐसा है कि मुझे कंटिन्यूस मिशन में लेक्चर्स चाहिए, मुझे कंटिन्यूस में लेक्चर 4 से 5 नहीं मिले, मतलब क्या है 2 हफ्ते में खत्म रे ऑप्टिक्स, तो फिर वो एक 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 महीना चलता है तो मुझे गंदा लगता है, तो रे ऑप्टिक्स मेरा वैसा चला है क्योंकि वो बराबर न्यू ईयर और उसके पहले और बाद में हो गया, जिसके वजह से रे ऑप्टिक्स आराम आराम से चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइज जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना आपको, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा सा लिंक आपका टूट रहा है तो आप पिछले वाले 2 लेक्चर्स और आज का लेक्चर वापस देख लो फटाफट फास्ट फॉरवर्ड वे में, ठीक है, और उसके बाद फ्राइडे का लेक्चर अटेंड करना, ठीक है। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अपन ने देखा था, इसके बाद अपन ने देखा था रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का एकदम सिंपल सा फंडा होता है, रिफ्लेक्शन भी अलग अलग कर्व्ड सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन हो सकता है, जैसे मैंने एकदम सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखा था, ये सपोज कोई भी एक कर्व सरफेस है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ऐसा कर्व है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसा पकड़ लो, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट आई, ठीक है, इसके ऊपर गिरी, कभी भी ध्यान में रखना रिफ्रैक्शन करने के लिए, देखो 2 light rays इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था मिनिमम 2 rays आर रिक्वायर्ड, आप बाकी इतने भी निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे 2 ही निकाल रहा हूँ, ये एक आई और एक अपनी सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ऐसे गई जो पोल पे गिरी। अब इसके बाद ये वाली जो रे है ये तो रिफ्रैक्ट होके सीधा का सीधा ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पे, और ये जो रे है देखो ये रिफ्रैक्ट होके कैसे जाती है, तो यहाँ पे पहले क्या करना है, सेंटर से इस पे क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल, ये होगी मेरी नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गई। अब ये जाने के बाद सपोज रे कुछ ऐसे चली गई तो यहाँ पे इमेज बन गई। अब मैंने आपको सिंपल सा क्या बात बोला बताया था पहले कि ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ये हो गया मेरा इमेज। अब यहाँ पे आप देखो जो रे होती है वो मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रेवल कर रही है, तो जो मीडियम वन है वहां का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, म्यू वन बोलूंगा, ठीक है। हाँ, और जहां से जहां पे गई है मीडियम टू में गई तो उसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू टू। ये चीज दिमाग में रखना, ये हो गया म्यू वन, ये हो गया म्यू टू, ठीक है, ये हो गया यू, ये हो गया वी। अब इसका भी, और ये सारे जो रेज है वो पैरेक्सियल रेज है, मतलब एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के आजू बाजू में है। अगेन ये वाला जो पूरा का पूरा कर्व सरफेस है वो भी बहुत ही छोटा है, तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि व्यूड नॉर्मली मतलब क्या, इसके एकदम यहाँ से देख प्रिंसिपल एक्सिस एकदम आजू बाजू से अपनी आंख लगा के हम लोग बैठे, ऐसा मत समझो कि ये पूरा का पूरा स्फीयर है, देखो यहाँ पे इमेज दिख रहा हो, देखो, तो हम लोग सपोज यहाँ पे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो तुम्हारी आंख इधर नहीं है, कोई एंगल 30 या 40 डिग्री पे एंगल नहीं है तुम्हारा, तुम सब चीज कहां से देख रहे हो, या जो इमेज होगी, ये सारे जो रेज है ना, ये सारे के सारे रेज जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सारे के सारे रेज सिर्फ इतने ही पार्ट वाले रेज है, क्योंकि थोड़े से इधर हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेज, उसके भी मैं क्वेश्चन 5th lecture में दूंगा, मतलब अपना और एक लेक्चर जो लगेगा फ्राइडे के बाद उसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि जहां पे ज्योमेट्री से आपको करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये चीज जो है, अब इसका फॉर्मूला जो था, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल था, क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय क्या, आर। तो ये बेसिकली बहुत ही, देखो ये माइनस साइन वेरी इंपॉर्टेंट है, म्यू टू बाई वी, और म्यू टू क्या, जहां से जहां पे जा रहे, मतलब मीडियम वन से मीडियम टू पे जा रहे, तो मीडियम वन जो हो गया, ठीक है, देखो ये जो हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रेज जो होते हैं ना, ये जो इसको म्यू वन लेने का, और रिफ्रैक्टेड रेज को क्या लेने का, ये रिफ्रैक्टेड रेज उधर रिफ्लेक्टेड थे, एक मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहे, उसको म्यू टू लेने का, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो भी मैंने आपको एकदम, वी को वी है ना यहाँ पे, तो वी को म्यू टू देने का और यू को म्यू वन देने का, ठीक है। तो ये मैंने मतलब कर्व सरफेस, अब ये कर्व सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस आर का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव, साइन कन्वेंशन में सेम रखता हूँ यहाँ पे, ये सपोज मैंने ऐसा कर दिया एक्स एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया, तो ये चीज पॉजिटिव हो गई, ये चीज निगेटिव हो गई, ये चीज पॉजिटिव, ये चीज निगेटिव, समझ में आ रहा है।
और मैग्निफिकेशन नथिंग बट व्हाट हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. बाकी सब कुछ सेम. एक्चुअल में रियल मिल रहे होंगे तो रियल, मिल रहे ऐसा लग रहा होगा तो वर्चुअल, सब कुछ सेम. ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ तो आपको समझ में आएगा. मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ. एक क्वेश्चन दो अच्छे से मैं आपको. Yes, sir. थोड़ा सा वो हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद प्लेन सरफेस के ऊपर भी रखते हैं. और फिर हाँ, एक मिनट, प्लेन सरफेस का क्या था इसमें, याद है कि नहीं है? प्लेन सरफेस में क्या कर रहे थे, एक मिनट इधर ही रखता हूँ मैं. कौन से R को इन्फिनिटी. प्लेन प्लेन सरफेस है. यस, ये म्यू वन है, ये म्यू टू है. ठीक है, यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट रखा है तो एक तो रे ऐसा सीधा वाला जाएगा, ठीक है, जो ऐसा चला गया, और एक रे जो है वो ऐसा जाएगा. ठीक है, अब ऐसा जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगा, सॉरी. देखो आइदर वो टू, देखो टूवर्ड्स नॉर्मल जा सकता है ऐसे, या फिर क्या जा सकता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल. दो ही तो चीजें थी ना, पॉसिबिलिटी वन नहीं तो पॉसिबिलिटी टू. अवे फ्रॉम नॉर्मल को इस कलर में देखता हूँ. ठीक है, तो आइदर ये इमेज इधर बनेगी, नहीं तो इसको यहाँ पे कहाँ पे बनेगी, इधर बनेगी, समझ रहे ना. लेकिन ये पॉसिबिलिटी इमेज वन एंड इमेज टू, दो ही तो इमेज के पॉसिबिलिटीज है. तो देखो ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों क्या है, सेमी साइड पे है ना, समझ में आ रहा है. ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ था. yes. और गाइज जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होके उधर चली गई, लेकिन इमेज इसी तरह बनी. तो ये सब वर्चुअल इमेज है, बराबर ना, प्लेन सरफेस में. तो प्लेन में हमेशा जो जो इमेज बनेगी प्लेन सरफेस के लिए, वो कौन सी इमेज बनेगी हमेशा, वर्चुअल. वर्चुअल ही बनने वाले. एक मिनट, मुझे बताओ, जैसे अपने प्लेन मिरर में देखा, ठीक है, वैसे मुझे बताओ इस केस में सपोज वी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रियल है या वर्चुअल है इमेज. इस केस में वी पॉजिटिव आता है तो रियल है या वर्चुअल है इमेज. वर्चुअल. नहीं, वापस सोचो इमेज भाई. रियल. मुझे एक बात बताओ. देखो तुम लोगों को कैसे कंफ्यूज नहीं होना है. मिरर में क्या था, मिरर में मुझे बताओ, रेज इधर से उधर जा सकता है क्या, पहले बताओ. मीडियम टू में जा सकता है क्या? नो सर. तो नहीं जा सकता. और उस केस में सपोज इमेज इस तरफ बनती है, मतलब वी पॉजिटिव बनता है, तो इधर तो भाई इमेज तो बनने से नहीं ना, एक्चुअल में तो बनेगी नहीं रेज को मिलके, तो वो वर्चुअल हो गई. मैंने क्या बोला, इस केस में रिफ्लेक्शन में रेज जो है यहाँ से वहां पर जाते ही है. देखो वो रिफ्लेक्ट होके आ गए तो वो रिफ्लेक्शन हो गया ना. अपन रिफ्लेक्शन में क्या है, इधर से उधर तो जाना ही है. तो जब इधर इमेज बनती है तो रेज मतलब एक्चुअल में मिल रहे होंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर. यस सर. यहाँ पे सपोज एक्चुअली क्योंकि रेज इधर से उधर तो जाने ही वाले ना, मीडियम वन से मीडियम टू में, तो रेज एक्चुअल में जाने वाले है. तो जाने वाले है और इधर इमेज बन गई, तो वो हमेशा कौन सी इमेज हो गई, रियल इमेज. समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको सोचना है. देखो ये सब सेल्फ स्टडी की बातें बता रहा हूं मैं. ये जो चीजें होती है ना, ये चीज मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ तो ये खुद से बैठ के उसके ऊपर सोच के आप खुद से ये नोट लिखोगे, ये सेल्फ स्टडी होती है, जिससे आपका खुद का ना बहुत अच्छा लेवल बनेगा. अब ये मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको खुद को करना चाहिए, ये सब चीजें सोच के, बैठ के सोच के. समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं. अब यहाँ पे चलो, पहले मैं तो मुझे तो ये डिराइव करना था. हाँ, तो यहाँ पे आर की वैल्यू प्लेन सर्फेस के लिए आर की वैल्यू क्या हो गई, आर टेंस टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया. तो ये समथिंग कितना हो गया, जीरो हो गया. तो फॉर्मूला क्या बन गया गाइस, फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू टू बाई बी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू. समझ में आ रहा है. म्यू टू बाई बी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू आ गया. तो यू की वैल्यू डालेंगे तो वी की वैल्यू मिल जाएगी, समझ ला. लेकिन वी एंड यू देखो सेम साइन के, तो यू निगेटिव होगा तो वी भी क्या होगा इस केस में, नेगेटिव. तो वी निगेटिव हुआ, इसका मतलब इमेज इस तरफ बन रहे. जब इमेज इस तरफ कैसे बन सकती है, क्या रेज तो इधर से उधर जाने वाले एक्चुअल में, और इमेज इधर बन रही है, मतलब वो इमेज क्या हो सकती, इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी. समझ में आ रहा है? यस सर. इस तरह सोचो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप करोगे. ठीक है, फॉर्मूला आपने लिख के रखा है, दो ही फॉर्मूला लिखा है यार मैंने, ये एक फॉर्मूला और उसके पहले का ये एक फॉर्मूला, मतलब उसका मैग्निफिकेशन का एक्चुअल फॉर्मूला, उसका मैग्निफिकेशन का. दो ही फॉर्मूले अब तक मेरे हुए हैं, आज तीसरा फॉर्मूला भी आएगा. ठीक है, अब तीन फॉर्मूले और फोर्थ लेक्चर में फिर अलग अलग लिखी वो चीज. ठीक है, देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वन देखो.
ठीक है, कितने यहाँ पे कितने मीडियम है, कितने मीडियम में गाइस, देखो थोड़ा मतलब आपका पूरा का पूरा रिविजन हो जाएगा। तीन मीडियम है, एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन का ही केस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा पकड़ लो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे 12 सेंटीमीटर पे, तो बोला है कि फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, मुझे तो रेस कैसे निकलेगी पहले, मुझे तो पहले कहाँ से रेस जाएगी बताओ, प्लेन, इस प्लेन से इधर से उधर जाएगी, फिर रेस इधर से उधर जाएगी, तो दो बार रिफ्रैक्ट होगी ना, रेस को कितने बार रिफ्रैक्ट होना है यहाँ पे, दो बार। देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया, अच्छा क्वेश्चन बन गया, फटाफट मुझे बताओ फाइनल इमेज फॉर्म कितना होगा, 5 मिनट लो क्योंकि बहुत टाइम के बाद पहला क्वेश्चन है अपना, एक हफ्ते के बाद मिल रहे हैं हम लोग, तो 5 मिनट्स लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो सर, आप वाला पेज दिखा सकते हो क्या 1 मिनट के लिए? क्या क्या पहले वाला पेज दिखा सकते हो क्या? वो मैंने फॉर्मूले कॉपी नहीं किया। हाँ करो, फॉर्मूले कॉपी कर दे। थैंक यू सर। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ 1 मिनट। तो आपने जो अभी सम दिया उसमें हमें बी ढूंढना है, राइट? फाइनल वी, फाइनल इमेज, भाई फाइनल इमेज ना, मतलब अभी वी क्या ढूंढना है, तो जो पता होना चाहिए वी क्या होता है क्या नहीं होता, फाइनल इमेज बोला है मैंने, वो फाइंड आउट करो और कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, सब चैट पे लिखो, चैट पे बताओ, ठीक है? हाँ सर, इसमें आर की वैल्यू देनी है, वो नहीं दी मैंने, सरफेस से डिस्टेंस, आर की, सॉरी आर की वैल्यू मैं देता हूँ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक चीज नहीं दी मैंने, ये वाला, तो ये वाला जो चीज है ये हम लोग लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, करो। थोड़ा सा आंसर गलत आ सकता है कि मैंने रैंडम वैल्यूज दिए, ठीक है, तो पॉइंट्स में आंसर आ सकते हैं, या रेशियो में आंसर रख दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले अभी कर लो गाइस, मैं एक मिनट ये करने के पहले मैं वापस दो स्लाइड्स वापस दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। जो लोग बोले कि वापस पहले वाला स्लाइड दिखाओ, ये वापस नहीं करोगे आप, मैं वापस नहीं दिखाऊंगा। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो मिरर का, लिया, ठीक है, अब आगे का स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और जो फिर आपको लिखना है वो बाद में लिखो, ये सब अपना हुआ था पिछले वाले लेक्चर में, पूरा रिफ्लेक्शन मैंने बताया था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, चलो, और क्वेश्चन होने के बाद चैट पे आंसर चाहिए मुझे, आंसर यहाँ पे बताओगे नहीं आप लोग,
सर चैट पे भेजा। देख रहा हूँ मैं, लिखते जाओ तुम लोग, लिखते जाओ। प्लस माइनस का कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, इतना याद रखो। ठीक है गाइस, देख रहा था मैं आपके सबके आंसर देख रहा था। चलो तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सब लोग सुनो, मैं देता हूं सेकंड क्वेश्चन भी आपको दूंगा, मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको दूंगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दूंगा मैं। गाइस सुन रहे हो सब लोग? Yes, sir. मुझे पहले तो देखो, पहले क्या होता है पता है, पहले ना आंसर वन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लिख के ना आंसर निकाल देने का, ठीक है? तो पहले तो अपना ना सबके लिए जो भी फॉर्मूला था, जो मेजर फॉर्मूला तो यहाँ पे ही था, मैं वो फॉर्मूला चलो यहाँ पे कोने में लिख के रखता हूँ। इट इज म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, जिसको याद नहीं है ना तो फॉर्मूला लिख के रखो, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर, ठीक है? तो पहले तो मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इसके लिए आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू इसके लिए कितनी थी? इन्फिनिटी। तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर की वैल्यू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला था जो म्यू टू बाई वी इज इक्वल टू म्यू वन बाई यू, ये फॉर्मूला था जिससे पहले मैं वी निकालूंगा। अब म्यू टू की वैल्यू क्या है, देखो एक चीज दिमाग में रखना, इंसिडेंट रे कहाँ से जा रहा है, रे जा रहा है 4/3 से, और वो जा रहा है यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में ये हो गया म्यू वन, ठीक है, और ये हो गया क्या, म्यू टू, म्यू टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो गया। तो म्यू टू की वैल्यू यहाँ पे क्या डालोगे, वन, म्यू वन की वैल्यू यहाँ पे क्या डालोगे, 4/3, और यू की वैल्यू क्या डालोगे, यू की वैल्यू क्या डालोगे, माइनस ट्वेल्व, ठीक है, यू की वैल्यू डालेंगे -12। अब -12 आया तो वी का वैल्यू आया कितना यहाँ पे, -9। हाँ तो वी का वैल्यू यहाँ पे आया, देखो वी का वैल्यू -9। अब एक मिनट, पहले तो मुझे एक बात बताओ, सुनो, कभी भी अभी एक हैबिट डालो पहले फॉर्मूला लगाने का, सुनो सब लोग सुनो, पहले फॉर्मूला लगाने का, उसके बाद वो रे ट्रेसिंग, रे ड्रॉ करने का, रे ड्रॉइंग करने का, मतलब इमेज ट्रेसिंग करने का, मतलब क्या करेंगे अपन, पहले तो अपना एक सिंपल रे, जो एकदम मस्त अपना जो वाला रे होता है जो यहाँ से ऐसा सीधा निकलता है और सीधा ही जाता है, तो ये रे तो हो ही गया, वो तो वैसे भी इधर सब जगह सीधा ही जाने वाला है, ठीक है, एक रे तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा मैं जो रे ड्रॉ करूंगा, चलो इस कलर वाला, नहीं चलो इसी कलर वाला कर देता हूं मैं, दूसरा जो मैंने रे ड्रॉ किया वो यहां से ऐसे निकला, इधर गिरा, ठीक है। अब 9 सेंटीमीटर, मतलब देखो ना यहाँ पे ये 4/3 वन है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गया है ना वो, या तुम देखोगे 9 सेंटीमीटर मतलब -9 सेंटीमीटर, देखो माइनस, व्हाट इज -9 सेंटीमीटर, मतलब इमेज भी यहाँ पे बनी है, तो सिंपल सी बात है, ये रिफ्रैक्ट होके कैसे जाएगा मुझे बताओ, ये जो रे अभी यहां से निकलने वाला है, ग्रीन में डाल देता हूं मैं इसको, तो ये रे जाएगा ऐसे, समझ में आ रहा है रिफ्रैक्ट होके, यस सर, तो रिफ्लेक्टर के ऐसे जा रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे ये जो हो गई इमेज हो गई, और कितने सेंटीमीटर पे होगी बताओ मुझे, -9 सेंटीमीटर, नहीं डिस्टेंस तो अपन 9 सेंटीमीटर लिखते हैं ना, वहां पे माइनस नहीं यूज करो, क्योंकि अपन यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, देखो ज्योमेट्री है सब, देखो ज्योमेट्री है, अब मुझे बात बताओ ये जो मेरा रेज आ रहे, कितने रेज आ रहे, देखो मैं ग्रीन में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो रेज आ रहे, मुझे होता है दोनों रेज इस पूर्ण, ये जो सेकंड, अभी सेकंड इसको डिवाइस बोलता था मैं, याद है आपको, डिवाइस नंबर वन, डिवाइस नंबर टू, तो ये डिवाइस नंबर टू जो है ना, डिवाइस नंबर टू के लिए जो दोनों रे जो इसके ऊपर गिर रहे हैं, तो डिवाइस नंबर टू के लिए ये रे आ कहां से रहे, किधर से आ रहे, इधर से आ रहे, इधर से आ रहे कि नहीं आ रहे, डिवाइस नंबर टू के लिए,
भाई देखोगे ना ऐसे तो उनके yes, भाई इसको ये वाला डिवाइस नंबर टू जो है मतलब ये वाला जो कर सरफेस उसको थोड़ी पता है कि ये पीछे कुछ ये प्लेन सरफेस रखा था उसको, वो तो सिर्फ रे को देखता है, इसलिए मैं बोलता ना रे को देखने का होता है, हर एक आदमी किसको देखता है, रे को देखता है, अपने आंखों में जो लाइट जाती है वो कहां से आ रही है, किधर गिर के आ रही है, अपने को क्या पता, जो लाइट जा रही है उसको अपने को दिखेगी, एक जो रे दिखेगा, तो ये जो रेज है ना ये 9 सेंटीमीटर से आ रहे हैं, इसका मतलब अब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा इसके लिए, तो सेकंड डिवाइस के लिए मैं अलग कलर मैं रेड यूज करता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड के लिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 19 सेंटीमीटर तो ये जो टोटल है वो कितना है, 19 सेंटीमीटर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर इस तरफ, ठीक है। और सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखो, सुने यहाँ पे साइन कन्वेंशन, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, साइन कन्वेंशन बाद में डालते, ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूला लगा देते अपना। अब पहले तो मुझे बताओ म्यू टू कौन होगा, म्यू वन कौन होगा? ये होगी इंसिडेंट रे, उधर से इधर जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, म्यू वन वन हो गया, म्यू टू क्या हो गया? 3/2 हो गया। समझ में आ रहा है पहले ये भी, ये समझ में आ रहा है? सेकंड के लिए वापस यही फॉर्मूला अपन लगाएंगे, सेकंड के लिए वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जिसमें म्यू वन एंड म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग। देखो ये समझ में आना, आपको समझ में आया रे ऑप्टिक्स, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया वो सपोज आपको समझ में आया होगा तो आपका रे ऑप्टिक्स हो गया ऐसा समझ लो, ठीक है। चलो अब डाल देते भाई म्यू टू, म्यू टू की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल दो, इस फॉर्मूला में। हाँ बोलो, कुछ पूछना था? ठीक है, तो मैं ये जो अभी डाल रहा हूं यहाँ पे, सुनो यहाँ पे आवाज तेरा अटक रहा है, जो भी कोई बोल रहे है यहाँ पे देखो, म्यू वन की वैल्यू 1 डालेंगे, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, म्यू टू की वैल्यू 3/2 डालेंगे, यू की वैल्यू क्या डालेंगे, प्लस एंड माइनस? माइनस 90 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई अपना अब इधर लगे ना यार, ये पोल लेंगे ना, पोल इधर से इधर देखेंगे ना अपन पूरा, अब जो साइन कन्वेंशन होगा वो इस डिवाइस से होगा, तो इस डिवाइस के लेफ्ट तरफ मतलब माइनस, इधर मतलब प्लस, सिंपल। आर की वैल्यू क्या लेंगे इसमें, आर की वैल्यू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर। आपको इतना समझ में आ रहा है जो मैंने वैल्यूज लिखा है? यस सर। गाइस सबको समझ में आ रहा है? यस सर। बस ये इसमें डाल दो, मैं बोला ना थोड़ा सा गंदा वाला जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने वो सोच समझ के सारे वैल्यूज नहीं दिए थे, ठीक है, तो ये निकालो, जो भी आंसर होगा वो आंसर होगा। समझ में आ रहा है अमर? हाँ सर। समझा क्या सर? आ गया मेरे को आंसर। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि ये वाला जो चीज है इसमें बस ये वाला फॉर्मूला डाल दो, तो ये हो गया 3/2 डिवाइड बाई वी माइनस म्यू वन कितना है 1 डिवाइड बाई यू विच इज अगेन माइनस 19, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वी वन मतलब 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई आर विच इज माइनस 20, ठीक है। देखो गंदा सा घटिया सा कैलकुलेशन है लेकिन ठीक है, तो ये इससे वो मैक्सिमम लोगों का भी क्या आया वो भी है, मतलब वी कुछ मतलब पता नहीं। तुम्हारा कितना है आदित्य, तेरा कितना है? ओके 19 समथिंग है क्या? ठीक है ठीक है, तो जो भी है ये आंसर है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू सर? इधर सब कुछ नेगेटिव है तो हम लोग साइन कन्वेंशन ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव ले तो चलेगा? देखो तुमको जो भी है चलेगा, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, ना तो एक ही हैबिट डालो, नहीं तो क्या ना मिस्टेक करोगे तुम, समझे? यस सर। मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए साइन कन्वेंशन एक ही होना चाहिए, ठीक है। निवान तेरे को समझ में आ रहा है क्या? निवान हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नहीं समझ में आए जो भी होगा स्क्रीनशॉट लेके वापस इसको करो। रे डायग्राम भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब माइनस 19 आया ना, कितना आंसर कितना है तुम्हारा? माइनस
माइनस ही आया क्या आंसर? कितना है सर? माइनस 19 पॉइंट समथिंग आया क्या? माइनस है तो बेसिकली पता है माइनस 19.3 मतलब वो वापस मतलब वापस वर्चुअली बनेगा, वापस वर्चुअली बनेगा, समझे? वापस वर्चुअली बनेगा। एक मिनट मुझे एक बार जरा देखने दो कहीं पे ऐसा कोई अच्छे वैल्यूज वाला क्वेश्चन है क्या जो मैं डालू। अच्छे वैल्यूज मतलब जहां पे आपका आंसर एकदम घटिया सा ना आए। ठीक है चलो तो नहीं दिख रहा है मुझे, मैं एक इंजनल डालता हूँ। देखो यार आंसर क्या आता है इसका भी, एग्जांपल टू करते हैं सब लोग। देखो यहाँ पे एग्जांपल टू करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो देखो क्वेश्चन जो है ना, देखो क्वेश्चन आते ही ऐसे है, ठीक है? क्वेश्चन आते ही ऐसे देखो यहाँ पे। अब मैंने कुछ यहाँ पे कुछ चीज लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, ठीक है? तुमको समझ में आएगा, मतलब ये जो मैं मिरर, ये जो लेंसेज सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, आपको एक समझ में आएगा। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है? एक ग्लास का कुछ सिलेंडर टाइप का चीज दिख रहा है आपको? sir. एक ग्लास सर, yes, ग्लास sir. का कुछ ऐसे टाइप का, ये स्फेरिकल मतलब यहाँ पे ऐसा स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, और ये ऐसा पूरा का पूरा एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है? तो एक सिलेंडर, लेकिन ग्लास का ये वाला पार्ट जो है ऐसा है, ठीक है? और ऐसा पकड़ लो इसका म्यू जो है वो दिया हुआ है कुछ 3/2, ये म्यू दिया हुआ है। और ये बाजू में इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। देखो ये सारे मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा लूँ, अच्छे लेवल मतलब यही सब आता है जेई मेन, जेई एडवांस में और इवन नीट के अच्छे लेवल पे, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे हो गया, मतलब गंदी सी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसको अच्छे से करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरी की पूरी, ठीक है? अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सुनो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो ग्लास का पूरा जो भी स्लैब या अपन सिलेंडर टाइप का कुछ बोल सकते हैं, ये यहाँ पे दिया है कुछ वापस वही 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। इसका यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। चलो इसका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये 20 लो, कुछ भी लो, आंसर गंदा ही आने वाला है, ठीक है? क्योंकि सोच समझ के नहीं दे रहा हूं मैं। इसका आर 10 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा है क्या है ये चीज? यस, ठीक है? तो इसका इसका म्यू वन है और इसका भी म्यू वन है, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगेन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर से इधर 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलो फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म। अब रे कैसे जाएगी मुझे बताओ, रे कैसे जाएगी ऑब्जेक्ट से, कैसे जाएगी निकलेगी यहाँ से पूरी की पूरी, इससे पास होकर इधर से चली जाएगी। और अपन कौन सी रेज लेने वाले, हमेशा पैरेक्सियल रेज, पैरेक्सियल प्रिंसिपल एक्सिस के आजू बाजू में। चलो करो और मुझे बताओ फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म, फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म।
आंसर क्या आ रहा है, मतलब सही आ रहा है, किसी का आंसर आ रहा है कुछ? फाइनल यहाँ से हम टाइपिंग इट इन सर। हाँ करो करो, चलो करो चलो, कैलकुलेट करो और बताओ कितना। ठीक है गाइस, चलो जो भी लोग का आया है नहीं है अपन ने ट्राई करते, साथ में ट्राई करते समझ में आएगा, ठीक है जो भी है, ठीक है साथ में ट्राई करते रहते। कोई बोलने जा रहा है जिसका आवाज बहुत ही अटक रहा है, ऋतुजा तेरा माइक बहुत अटक रहा है, ठीक है बिल्कुल आवाज कुछ नहीं आ रहा है, तो सिर्फ सुनते रहो जिनका माइक का ऐसा प्रॉब्लम होता है वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एकदम पहली चीज ये जो है, अब पहले तो रे यहां से यहां पे निकलेगा, तो रेड में ही लेता हूं मैं, तो रे सपोज यहां से यहां पे गिरा, ये रे यहां से यहां पे गिरा, ठीक है। अब पहले के लिए मतलब स्टेप वन, मैं यहां पे जो स्टेप वन जो बोल रहा हूं, स्टेप वन के लिए म्यू वन जो है ये होगा, और मतलब एक मिनट इधर नहीं लिखता मैं, इधर क्यों लिखूं, ठीक है एक काम करते हैं मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। म्यू वन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू वन की वैल्यू कितनी होगी वन, म्यू टू की वैल्यू कितनी होगी थ्री बाई टू, ठीक है। म्यू वन, हाँ मैं अरे मत बोलो, तुम लोग बोल रहे हो बहुत लेट इधर सुनने में आता है, तो म्यू वन वन होगा, म्यू टू थ्री बाई टू होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया पहले का पोल, ये जो ये है देखो, इसको मैं डिवाइस वन बोलता हूँ क्योंकि ये डिवाइस वन की तरह, तो ये डिवाइस वन के लिए ये पोल हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट ये राइट हो जाएगी। देखो हर एक डिवाइस के लिए अपना अपना पोल लेने का, वहां से लेफ्ट एंड राइट लेने का, देखो ये बहुत ही सिंपल रूल है। लेफ्ट एंड राइट कहां से लेने, कौन से डिस्टेंस, यू क्या होता है, वी क्या होता है, तो सपोज डिवाइस नंबर वन का पोल पहले डिफाइन करने का और उस पोल से डिस्टेंस लेने का। जैसे कि ये जो डिस्टेंस हो गया इस केस में, ये डिस्टेंस हो गया यू 10 सेंटीमीटर इधर से इस पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पे यू इस तरफ है, तो सिंपल सी बात है यू की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे यू की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी कितनी, यू की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यू की वैल्यू -10 हो जाएगी। हाँ आर जो है, आर
अब मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरफ है, राइट साइड है, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 10। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज अभी यहाँ पे लिखे स्टेप वन में, ये चीज यहाँ पे डालनी है, कौन से फॉर्मूले? म्यू टू बाई वी, ये जो फॉर्मूला था यही म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। फॉर्मूला आपके दिमाग में है, मैं वापस नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। किधर गया, सॉरी, हाँ म्यू टू। अब म्यू टू है 3/2, ठीक है, तो म्यू टू मतलब 3/2 डिवाइड बाई वी माइनस म्यू वन, वन डिवाइड बाई यू, यू की वैल्यू कितनी है? माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, दैट इज 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाय आर, आर कितना? पॉजिटिव 10, तो यहाँ पे पॉजिटिव 10 लिखेंगे। समझ में आ रहा है मैंने जो लिखा है? समझ में आ रहा है तुमको सब? यस सर। अब इससे v कितना है गाइस, इससे v कितना है? इससे जो v आया वो कितना है? माइनस 30 सर। माइनस 30, माइनस 30, कंफर्म माइनस 30? यस सर। माइनस 30 सेंटीमीटर सर। आदित्य तेरा माइनस 40/3 कैसा है? कुछ गलती किया क्या तूने? ये 1/20, यहाँ पे माइनस है, प्लस 1/ माइनस 30 है ना सबका? मुझे तो माइनस 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? इमेज किस तरफ बन रही है? रेस क्या हो रहा है? ये 10 सेंटीमीटर, ऐसा जाके मिल नहीं रही। देखो यहाँ पे इमेज, यहाँ पे जाके ये जो है, यहाँ पे रेस जाके यहाँ पे ऐसे नहीं मिल रहे गाइस, यहाँ पे नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि इमेज उसी तरफ आई है, उसी तरफ आई है। तो बेसिकली ध्यान में रखना, अपन जब रेस को ड्रॉ करेंगे तो रे ट्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रे ट्रेसिंग कर लो, रे ट्रेसिंग करोगे तो रे कुछ इस तरीके से जाएंगे। अभी अरे यार एक मिनट, कभी कभी ना धोखा दे देता है। अच्छा वो इतना ही मैंने किया, नहीं तो काफी जरा। हाँ अब यहाँ पे देखो, अब जो रे यहां से निकले, एक तो रे ऐसा निकलेगा वो तो सीधा आने वाला है। हाँ, ये वाला जो रे है ना, इसको कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? थोड़ा सा डाइवर्ज होके ऐसे जाएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखेंगे तो ये जो रेज है वो कहां से आ रहा है, ऐसे दिखेगा, कहां से आ रहा है दिखेगा? इसमें जूम आउट नहीं कर सकते, तो एक समझ जाओ कि रेज आएगा कहां से। ये जो दिखेगा ये कहां पे दिखेगा? कितना दिख रहा है यहाँ पे? 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब ऐसा पकड़ लो कि ये रेज जो है वो गया इसके ऊपर, गिरा, और ये इसके ऊपर गिरा। अब ये ड्रॉ उस तरीके से किया है, जो मतलब ड्रॉइंग थोड़ा समझ जाओ आप लोग, ठीक है, बड़ा समझ लो, जूम किया है समझ लो। हाँ, तो अब इसके ऊपर गिरा। अब मुझे बताओ, अब हम लोग इसका देख रहे हैं, सेकंड का देख रहे हैं, तो सेकंड के लिए वापस पोल को डिफाइन करने का। अब ये हो गया पोल, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब जो भी होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो इधर इस पोल से होगा, क्योंकि सेकंड डिवाइस, ये डिवाइस नंबर टू है अभी। अब ये डिवाइस नंबर टू है। अब डिवाइस नंबर टू से अपने को देखने का कि भाई लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, और सारे के सारे म्यू टू म्यू वन इसके लिए अलग वापस लिख देने के। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब यहाँ पे पहले वापस मैं सर एक बॉक्स करता हूँ, और उस बॉक्स में म्यू वन म्यू टू की सबकी वैल्यू लिखता हूँ। म्यू वन कितना हुआ यहाँ पे, जहां से रे आ रहा है? 3/2, ठीक है, 3/2, राइट। म्यू टू कितना हुआ यहाँ पे? 1, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, ये रे जा रहा है, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20, सुनो यहाँ पे, जो मैं ग्रीन में मैं ड्रॉ ये कर रहा हूँ, ये 20 और ये 30 पूरा का पूरा एड होगा ना, क्योंकि रेज तो ऐसे दिख रहे हैं ना उसके लिए। तो डिवाइस नंबर टू के लिए जो रेज आ रहे हैं वो तो एकदम उधर से आ रहे हैं, तो कितने से आ रहे वो? 50 सेंटीमीटर। तो यू की वैल्यू कितनी हुई गाइस? माइनस 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इस तरफ है, लेफ्ट साइड में ना। समझ में आ रहा है क्या? हमेशा ये ऐसा है, यहाँ yes, पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये ऊपर प्लस माइनस, तो यू हो गया माइनस 50। निकालना आर क्या हो गया? आर बताओ, आर भी यहाँ पे इस तरफ है, माइनस 10 सेंटीमीटर। तो पहले आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ रहा होगा, तो आप तो सीख गए हो, मतलब रिओप्टी सबका आ गया है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ नहीं, बाकी तो सब फटाफट भी हो जाएगा। तुमको ये इतना समझ में आ रहा है, तो वी की वैल्यू निकाल लेंगे। वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 50 सर, 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव।
ठीक है, तो म्यू टू अपन ले लेते हैं, म्यू टू की वैल्यू अपन वन लेंगे, म्यू टू बाई वी निकालना है माइनस म्यू वन विच इज थ्री बाई टू बाई यू, यू की वैल्यू कितनी है सर माइनस फिफ्टी, क्या बोलो सर स्क्रीन बहुत लैग हो रही है सर, नो लैग नहीं है सर, बराबर लैग हो रही है, नो सर सर शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है सर, सॉरी हाँ तेरा ही होगा। अब म्यू टू माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा म्यू टू माइनस म्यू वन मतलब वन माइनस थ्री बाई टू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आर, आर की वैल्यू कितनी है माइनस टेन तो यहाँ पे माइनस टेन कर लो, ठीक है माइनस टेन कर लो, समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. तो ये इससे जो v निकलेगा इसमें v की वैल्यू कितने है, माइनस है या प्लस है, क्या है इसमें? प्लस 50 सर, कितने है प्लस है क्या? यस सर, तो प्लस 50 सेंटीमीटर आया, मुझे तो प्लस 50 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, सपोज प्लस 50 सेंटीमीटर सपोज आया होगा, इसका मतलब रेज मुझे बताओ कैसे गए फिर इसके बाद कन्वर्ज हुए डाइवर्ज हुए? वर्चुअल इमेज गलत बोलो, यहाँ पे देखो फिर ये एक्चुअल में जाके यहाँ पे मिल गए, क्यों? क्योंकि 50 आया ना, तो ये 50 यहाँ से आया, समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन में एक्चुअल में मिलेंगे, तो ये जो हो गया ये एक्चुअल में इमेज यहाँ पे हो गया। यस सर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको बना है ना, यही तो जेई मेन जेई एडवांस का क्वेश्चन है गाइस, मतलब इवन नीट में अच्छे लेवल का, समझ रहे हो? और मे बी जेई मेन में भी अच्छे लेवल की बात कर लो, क्योंकि इसमें दो बार चीजें हो गई, आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको एक चीज, हाँ बोलो सर, प्रैक्टिकली वो रे और ज्यादा डाइवर्ट होगा तो फिर वो लाइक रियल इमेज कैसे बनेगा? क्या तो मुझे पहले बता, रियल तो रियल और रियल और उसका तेरे को ये समझ में आया? हाँ सर, पॉजिटिव आया तो तुझे क्या बताया मैंने, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रेज यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। यस सर, एक मिनट, एक काम करो पहले इसका ना इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये बाद में जिन लोगों को नहीं समझ में वो लोग बाद में करेंगे, मैं आपको एक थोड़ा सा रियल वर्चुअल का एक दो मिनट में बताता हूँ। सर मेरे को आंसर भी आ गया था 50 प्लस, फिर सर मैं से वैसे सोच रहा था कि वो रेयर मीडियम पे जा रहा था तो वो और डाइवर्ज होगा तो फिर वो रेस नहीं वो नहीं है। देखो यहाँ पे रेयर और डेंसर का वो चीज नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला प्लेन सरफेस थोड़ी है, चीज कर्व सरफेस है ना, तो उसमें रेयर एंड डेंसर का कुछ नहीं होगा, समझा? क्योंकि इसमें म्यू टू, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, तो म्यू टू म्यू वन ये सब फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं लोग, समझ रहे? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो फैक्टर प्ले कर रहा है ना। ओके सर, ठीक है, समझा क्या? Yes. मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे देख, जो कर्व सरफेस है ना, कोई भी कर्व सरफेस होगा, सपोज इसके ऊपर ऐसे सपोज ये रे गिरा, तो ये रे अब मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है, ठीक है? तो पहले तो इतना मुझे आपको समझ में आ रहा है कि मीडियम वन से मीडियम टू में जब रे जाता है तो रे सपोज वी पॉजिटिव आया तो हमेशा मिरर लेंथ ये क्या होने वाला है, वी पॉजिटिव आया तो हमेशा कौन सी इमेज बनेगी, ठीक है? हमेशा जो बनेगी वो रियल इमेज ही बनने वाली है गाइस, रियल इमेज बनेगी। इसका मतलब है कि भाई कुछ भी हो जाए, रे तो इधर से उधर जा रहा है ना, अब ये रे किस किस की तरफ बिहेव करेगा, आइदर रे देखो आइदर रे थोड़ा सा डाइवर्ज होके ऐसा जाएगा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ऐसा डाइवर्ज होके ऐसा जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा कम डाइवर्ट होके ऐसा जाएगा, या कुछ ऐसा जाके कुछ मतलब ये जो है, ठीक है? अब यहाँ पे सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, सपोज देखो यहाँ पे मैं ऐसा केस लेता हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ पे, तो उसके बाद तो वो फिर मतलब ये वाला जो चीज है, ये वाला तो चीज पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब इसके लिए, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे होगा तो क्या हो सकता है, वो ऐसा भी जा सकता है, तो ऐसा जा सकता है तो क्या इधर इमेज बन सकती है ना, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, तो पॉसिबिलिटीज तो सब कुछ है, लेकिन मैंने क्या बोला रे ट्रेसिंग कब करना है, पहले क्या यूज करना है बताओ मुझे, पहले क्या यूज करना है? हमेशा फॉर्मूला से यूवी की वैल्यू कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने के बाद फिर रे ट्रेसिंग मतलब इमेज ट्रेसिंग करो, समझा? तो स्टेप्स
ध्यान में रखना, कोई भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप वन इज ऑलवेज यूज फॉर्मूला एंड फाइंड आंसर, ठीक है, मतलब फॉर्मूला यूज करने का। उसके बाद फॉर्मूला यूज करने के बाद सेकंड सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर, यू आर इनऑडिबल। यस सर, सो वी कांट हियर यू सर, स्क्रीन फ्रीज। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि कॉल आया था, योर वॉइस वेरी सॉफ्ट। हाँ अभी अभी आवाज कम हो गया, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर। तो देखो स्टेप वन हो गया फॉर्मूला, सेकंड स्टेप हो गया इमेज ट्रेसिंग, ठीक है। यस सर। चलो तो पहले ये जो दो चीजें है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और इमेज एक सिंपल चीज आई थी पहले लेक्चर में, आपको मैंने बताया कि वॉइस क्रैक हो रहा है, यहाँ पे बॉक्सेस वॉइस क्रैक हो रहा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको अलग अलग डिवाइसेस बताए थे, जैसे मैं बताया था ना ये डिवाइस नंबर वन कुछ भी हो सकता है, ये डिवाइस नंबर टू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे अभी एक बात बताओ, यहाँ पे सपोज एक ऐसा, सपोज एक रे आया, ठीक है, मैं देखो रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तुमको समझना जरूरी है रे डायग्राम, ठीक है। देखो कैसे जा रहे थे, एक ये रे एक तो ऐसे ही जाके ऐसे जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस वाला, मुझे वो तो क्या दिख रहा है तुमको ये चीज, ये रे में, एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा गलत वाला कर दिया हम, एक मिनट मैं वापस जो बोल रहा हूँ वो देखो, ठीक है, मैं चाहे से कलर अलग अलग लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है, देखो रे देखो कैसे गया, रे देखो कैसे गया। तो पहले तो मुझे बताओ, पहले तो मुझे बताओ कि ये वाला जो चीज था पहले, पहले डिवाइस के लिए, पहले डिवाइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रे डायग्राम बनाया मैंने, पहले डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा तो ऐसे होके ये बन गया इमेज, ये इमेज बन गया ना, ये वी होगा, समझा क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बट रियल इमेज, ठीक है। यस सर। हाँ उसके बाद एक मैं वीडियो को ऑफ रखा है एक दो मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा आवाज अटक रहा था, मैं वापस चालू करता हूँ। हाँ उसके बाद सेकंड के लिए वही रे जा रहा था, ठीक है, तो इसके लिए क्या था, इसके लिए ये जो था ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे जो इमेज थी, इमेज इमेज कहाँ पे बनी गई, वर्चुअल, ठीक है। ये हो गई इमेज, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना दिया ऐसे ही, ठीक है, आपको समझने के लिए, समझने के लिए नहीं, ना समझने के लिए। अब इस बार जिनको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एडवांस की, एडवांस का आपका आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। चलो एक काम करते, अब मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ जो मुझे बताना था आज, ठीक है। इस चीज में देखो, इस चीज को देखो, तुमको क्या लगता है, स्क्रीन शेयरिंग हो, थोड़ा सा अटक गया क्या स्क्रीन, तेरा, हाँ ऋतुजा, ऋतुजा तेरा जो वॉइस है ना वो काफी ऐसा क्रैक होके आता है, ठीक है, जब तू बोलती है आते क्या अभी, ये तेरा आवाज, तेरा आवाज आता ही नहीं, तो तू माइक म्यूट करके रख, ठीक है, अब ठीक है, तेरा तेरा आवाज ही नहीं आ रहा, वो ऐसा बहुत वो आता है, मतलब अब 20 सेंटीमीटर, अब मुझे एक बात बताओ, जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस था ना दो इसमें, इसको मैंने सपोज, इसको मैंने जीरो कर दिया तो क्या दिखेगा गाइस, लेंस हो जाएगा ना, मतलब पढ़ा है ना लेंस आपने, जिसमें लेंस में लेंस एकदम, अपन जो पढ़ते हैं वो थीन लेंसेस पढ़ते,
ये भी एक टाइप की लेंस होगी लेकिन थोड़ी सी थिक होगी ना ये तो, समझ में? यस सर, यस सर। हाँ तो अपने जो नॉर्मल, देखो नॉर्मल जो नीट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो एकदम थिन लेंसेज के ऊपर आते हैं। हाँ जेई वगैरह में, जेई एडवांस, जेई मेन के अच्छे लेवल पे वगैरह सब ऐसा कुछ दे सकते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे डाला। तो मैंने ना आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले करवा दिया, ठीक है? लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब क्या, डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, वो लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। अपने को कौन सा मेन फॉर्मूला था गाइस? फॉर्मूला मेन कौन सा था? ये वाला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला है, समझा? उससे हर एक चीज डिराइव होती है, ठीक है? स्क्रीन लैग हो रहा है। मुझे समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट रुको। वो वाईफाई जो है ना वो उधर का वाईफाई पकड़ा था जिसमें, एक मिनट रुको गाइस, मुझे लगता है हो जाएगा अभी, रुको एक मिनट, एक मिनट रुको। गाइस स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है आपको? नहीं ना? नो सर, नो सर। ओके, नो सर। एक मिनट रुको, अब भी आया सर। अभी अभी पहले तो मुझे बताओ कि पहले मैं ये जो कितना अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी ये इधर का वाईफाई चालू हो गया, ये प्रॉब्लम वहां पे हुआ था वाईफाई, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम के बाद आया ना, अभी घर में मैं 7 दिन के बाद घुसा हूँ, मैं देखा ही नहीं कि इधर का वाईफाई वो था। देखो यहाँ पे सब प्रॉपर चल रहा है अभी? यस सर, यस सर। तो मतलब ना वाईफाई आ गए, वाईफाई वाला चीज है, ठीक है? तो अभी मेरा मोबाइल पे वाईफाई डाल लेता हूँ मैं। सर वीडियो ऑन करो ना। हाँ वीडियो भी चालू करता हूँ, रुको एक बार। सही है, वीडियो वगैरह देख रहा है अभी प्रॉपर? यस सर, यस सर। आवाज भी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, चलो। यस सर, यस सर। हाँ अब यहाँ पे देखो गाइस, अब मैंने जो आपको एकदम सिंपल सी बात बताई, ठीक है? अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, अपन रे डायग्राम बाद में बनाते हैं, रे डायग्राम बाद में बनाते हैं, पहले ना दो टाइप का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक पार्ट था, ये कर्व था, ये एक सरफेस कर्व था, यहाँ पे एक म्यू वन था मीडियम, यहाँ पे म्यू टू था, यहाँ पे मैंने म्यू थ्री रखा। देखो तीन तीन मीडियम भी हो सकते हैं, नहीं हो मतलब क्यों नहीं हो सकते, राइट? तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन करवाया, यहाँ पे दोनों जगह में मैंने क्या डाला था, एयर एयर डाला था ना, तो मैं एयर ग्लास और इस तरफ वाटर भी रख सकता हूँ, बिल्कुल। yes, रख सकता yes, ना मैं, मतलब अपने को जो चाहिए That's वो ऐसा right. बस उसमें सिर्फ म्यू वन एंड म्यू टू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस म्यू टू की वैल्यू चेंज हो जाएगी उस केस में, तो वो तो आप सब कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे एकदम सिंपल, ये म्यू वन हो गया, म्यू टू हो गया, म्यू थ्री हो गया, ठीक है? अब
हो सकता है. अब यहाँ पे जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू है, और ये जो डिस्टेंस है ना डिस्टेंस, अब इवन दिस डिस्टेंस टेंस टू जीरो, तो बेसिकली दिखना कैसे चाहिए, बेसिकली लेंस कैसे दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए ना एक दूसरे के ऊपर, ऐसा दिखना चाहिए ना भाई डिस्टेंस टेंस टू जीरो. अरे भाई एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए, लेकिन हम उसको कैसे दिखाते हैं, हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है ना ये वाला पार्ट अपन लेते हैं. और ध्यान में रखना ये थिकनेस, दिस थिकनेस इज नथिंग, दिस थिकनेस इज इक्वल टू कितना है एक्चुअली, कितना है थिकनेस बेसिकली कितना है गाइस, दोनों के पोल एक दूसरे के ऊपर टच है बेसिकली, हाँ जीरो, लेकिन हाँ तो थिकनेस एकदम जीरो है, और इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं थिन लेंसेस. जो अपन लेंसेज यहाँ पे पढ़ते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है, तो थिन लेंसेज होते हैं सारे. तो ये जो लेंसेज होते हैं थिन लेंस होते हैं, मतलब एकदम उसका थिकनेस जो होता है इट टेंस टू जीरो बेसिकली, समझ में आया, तो इसीलिए मैंने डी टेंस टू जीरो कर दिया मैंने, ठीक है. अब गाइस होता क्या है पता है, इसके इंटरसेक्शन के अलग 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 वर्जन होते हैं. मैंने आपको ना अराउंड छह टाइप के लेंसेज बनते हैं, छह टाइप के मैं लेंसेज बताऊंगा, उसके फिर काट के बिट के भी अलग अलग टाइप के लेंसेज बनेंगे, बहुत सारे टाइप के लेंसेज बनेंगे, लेकिन आपको कुछ याद बिल्कुल नहीं रखना है, कुछ भी चीज याद नहीं रखना है, सिर्फ उसके टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, वो उसका भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा. उसके पहले एक छोटा सा चीज अपन डिराइव करते हैं, मुझे सिर्फ पांच मिनट दो, पांच मिनट अपन, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मैं आपको अलग अलग चीजें बताता हूँ, ठीक है. अभी तक विनीत अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं समझने लायक. मैंने आपको क्या बोला, ये दो सर्फेसेस है, लाइट यहां से निकलेगी ऐसे जा सकती है, फिर यहां से रिफ्रैक्ट होगी जो भी होगा. अब ये दोनों सर्फेसेस को मैंने क्या कर दिया, दोनों सर्फेस को क्या कर दिया मैंने, ये डिस्टेंस इसके अंदर का क्या कर दिया मैंने, डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया. जैसे जिसको जीरो कर दिया क्या बन गया मेरा, क्या बन गया, लेंस, लेंस बन गया. उसको अपन लेंस बढ़ते हैं, लेंस को पढ़ाई करते हैं, ठीक है. तो लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग का मिरर हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया. अब लेंस भी रिफ्लेक्शन ही है, रिफ्लेक्शन के अंदर ही लेंस आता है, ठीक है, और उसके बाद प्रिज्म आता है. प्रिज्म तो एकदम बेवकूफ है, एकदम बकवास सा चीज है वो, ठीक है. लेकिन जो लेंसेज है, लेंसेज के अलग अलग टाइप देखो, और फिर अपन अलग अलग उसका कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे. एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ब्रेक ब्रेक में, एक लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेक के बाद आपको कंफर्म आना ही है, या फिर आप लोग ये मत करो, लॉग आउट मत मारो, ठीक है. 10 मिनट का मैं ब्रेक देता हूँ, जिसमें दो भी है मूवी धोके आना, फोर टाइम के बाद लेक्चर हो रहा है, 10 मिनट के बाद वापस अपन मिलते हैं, ठीक है. तो अभी कितना है, 4:30 हुआ है, 10 लोगों ने तो लिखा होगा ब्रेक चाहिए, तो 4:30, ठीक है, 4:35 हो गया, ठीक है, 35 हो रहा है, तो 4:45 तक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है. 4:45 को आपको सबको आना है एग्जैक्टली. अपन चालू करेंगे लेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको चालू करेंगे, फटाफट आ जाना. आपने लॉग आउट मारा तो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आपका चला जाएगा, तो म्यूट रखो और जो भी है.
हेलो गाइस, चलो चालू कर लेते हैं लेक्चर। आ गए क्या सब लोग? यस सर। यस सर। जिन लोगों को बोलना वगैरह था उसको हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो फटाफट। जो लोग थे कुछ इनको बात करना है दे देता हूँ हैंड रेज का ऑप्शन कुछ लोगों को। और थैंक यू सर। अभी दे रहता हूँ। थैंक यू सर। अब थैंक यू में क्यों मत बोलो, दे दिया सर। आपने पहले चालू कर दिया क्या लेंसेस? क्या लेक्चर चालू, क्या चालू किया? लेंसेस लेंसेस नहीं, नहीं चालू थोड़ी किया, अभी चलूंगा ना। सॉरी सर, क्योंकि मेरा आईएस वो है ना वोडाफोन का, उसका 3G है ना, तो थोड़ा लैग होता रहता है। ओके ओके। नहीं नहीं, अभी तो जस्ट मैंने चालू किया, 445 दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो देख रहा था मैं। ओके सर, चालू अभी करूंगा मैं लेंस। हेलो सर। यस सर। हाँ सर, मेरे को पूछना था, जब हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस में जब पॉजिटिव होगा तभी वो रियल इमेज होगा ना? अभी कुछ मत बोलो, अभी कुछ भी नहीं पता तुमको लेंस का। नहीं लेंस में नहीं, मिरर 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 मिरर। हाँ मिरर में पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा ना भाई। देख मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स। अरे एक मिनट, इधर देखो पहले, सुनो इधर देखो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो मिरर, मिरर ऐसा हो, ठीक है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ चेतो, मिरर ऐसा हो या ऐसा हो तू मुझे बता। यहाँ पे मैंने पोल माना है, हमेशा जब पॉजिटिव होगा लाइट यहाँ से यहाँ पे जा सकती है क्या? रे नहीं सर। तो इधर या इधर दोनों जगह पे मिरर में हमेशा वी पॉजिटिव होगा तो एक्चुअल में इमेज बन सकती है क्या रेस को मिलके? नहीं ना। नहीं। ओके समझा। तो वर्चुअल होगा, समझा क्या? हाँ। देख रे जो है ना यहाँ से यहाँ पे पास नहीं होती, रे कभी भी रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो रे तो हमेशा। हाँ तो अभी इमेज सपोज निगेटिव बना, वी माइनस बना, वी निगेटिव बना, इसका मतलब क्या होगा? वो कौन सा इमेज होगा? रियल। रियल इमेज होगा। इसमें भी वी सपोज निगेटिव बना तो कौन सा इमेज होगा? रियल। समझा? ध्यान में रखना, तो दो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देख देख एक सिंपल, रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाना, समझा? तो अब ये निगेटिव माना है मैंने, इसको पॉजिटिव माना है, तो सपोज वी पॉजिटिव है रिफ्रैक्शन में तो क्या होगा? इमेज क्या होगी? रियल होगी। समझी? समझा? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देख ये मीडियम है, यहाँ पे देखो वीडियो, वीडियो देखो, वीडियो वीडियो देखो, मतलब वीडियो पे डबल क्लिक करो। अब ये है मेरा, ये मेरा मीडियम सेपरेशन है, मतलब ये ऐसा कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स जो भी है, ऐसा वाला सरफेस, ऐसा वाला सरफेस जो भी है। अब एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, मीडियम वन मीडियम टू। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट कहाँ से कहाँ पे पास होती है रिफ्रैक्शन में? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे। हाँ। अब लाइट यहां से यहां पे पास हो रही है, ठीक है। अब सिंपल सी बात बता, सपोज मैंने इस पार्ट को निगेटिव बोला है तो ये पार्ट क्या हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ इमेज पॉजिटिव आई, मतलब वी पॉजिटिव आया, मतलब इमेज कहां पे बन रहा है? इधर बन रहा है। हाँ। अब इमेज इधर बन रहा है लेकिन एक्चुअल में रेज भी तो उधर ही जाते हैं ना, यहाँ से यहाँ पे जाते हैं ना, तो रियल बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा। अगर निगेटिव आए तो यहाँ पे वी निगेटिव है, मतलब वी भी इधर इधर ही बन रहा है लेकिन रेज तो इधर से उधर जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे रे कभी मिल सकते है क्या? नहीं नहीं। तो वो क्या हो गया फिर? वर्चुअल इमेज हो गया, समझा? ये रिफ्रैक्शन के केस में। और ये रिफ्रैक्शन के केस, रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है? रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है? तेरा एक मिनट, तेरा आवाज, एक आवाज किसका है वैसे? मैं श्रीधर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इधर से इधर जा नहीं सकता, तो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस उधर ही आने वाले, तो उधर ही आने वाले, तो मतलब निगेटिव, वी निगेटिव होगा। अब ये सोच लेना, तो वी निगेटिव होगा तो रियल होगा, वी पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। सर बीच बीच में वीडियो एकदम पॉज हो गया था। आप हुआ था सर? हां सर, फ्रीज हो गया था सब। नहीं आ रही थी सर। अभी अभी बराबर है? अभी बराबर है सर? सर अभी बराबर है? हां सर अभी। हां ठीक है। मैंने देखो देखो मैंने, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये लेक्चर जो भी मैंने अभी कर रहा हूँ ना, ये लेक्चर को आराम आराम से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है हर एक चीज।
रियल ये वो सब कुछ. अब मैं ना पहले एक सिंपल एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मेरे को करवाना है. ठीक है, तो डेरिवेशन सब देखो. आवाज प्रॉपर आ रहा है या लैग हो रहा है? प्रॉपर है सर. ठीक है चलो. अब यहाँ पे देखो. हाँ, अब यहाँ पे देखो. अब मैं कोई भी, अब ये वो ये लेंसेज को क्या बोलते हैं वो सब कुछ अपन बाद में देखते हैं. ठीक है, तो वो सब कुछ बाद में देखते हैं. एक मिनट. अब यहाँ पे ये एक सरफेस है. देखो यहाँ पे अच्छे से, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा. इसका रेडियस है R1. यहां से रे निकला. अब ये रे निकला, ये जाने वाला है ऐसे. ठीक है, ये जाने वाला है ऐसे, कुछ ऐसे जाने वाला है. तो अब मुझे बताओ ये बेसिकली क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे. यस सर. और ये एक तो रे ऐसे जाके ऐसा खुद चला गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे. बराबर भाई, ये वी हो गया. बराबर. अब पॉजिटिव निगेटिव सब सिंबल मत डालो इसके. इसमें R1 की वैल्यू अपन क्या डालेंगे? एक्चुअल में R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या डालेंगे? पॉजिटिव. U की वैल्यू क्या डालेंगे? U की वैल्यू क्या डालेंगे? नेगेटिव. और V की वैल्यू क्या डालेंगे? पॉजिटिव. मतलब पॉजिटिव. अब मैंने निगेटिव पॉजिटिव कुछ डालता नहीं हूँ. अब मैं क्या करता हूँ, अपने को सिर्फ फॉर्मूला एक डिराइव करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो इसी के एकदम, इसके एकदम बाजू में यहाँ पे मैंने एक दूसरा ऐसा सरफेस यहाँ पे रख दिया. ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे रख दिया, ऐसा मैंने एक सरफेस रख दिया. अब जैसे मैंने बोला ये जो थिकनेस है, थिकनेस इस डी की वैल्यू मैंने कितनी की यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी की है मैंने? जीरो. यहाँ पे है ही नहीं, ये सिर्फ मैग्नीफाइड है. मतलब मैं एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूँ. तो मुझे बताओ क्या ये जो रे है, ये जो रे ऐसे जाने वाला है, वो ऐसे जाएगा क्या? अभी सीधा स्ट्रेट जाएगा क्या? फाइनल में वी ऐसे बनेगा क्या? इधर बनेगा क्या? कुछ नहीं ना. शायद से ऐसा जाके इधर बन सकता है ना वो. समझ में आ रहा है क्या? डिफ्रैक्शन हो सकता है ना. अरे मैं इन जनरल देखो, मैं ड्रॉ इन जनरल कर रहा हूँ, तुमको वो देखना नहीं है. समझा? तो ऐसा एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? अब मैं जो वी दिखा रहा हूँ ना गाइस, सुनो, यहाँ पे जो वी वगैरह दिखा रहा हूं मैं एक ऐसा पकड़ लेता हूँ कि ये जो है ये फाइनल वी है. मैं वी इधर से दिखाता हूँ क्योंकि ये सब डी थिकनेस एकदम जीरो है. मैं यू भी कहां से दिखाता हूँ? यहां से दिखाता हूँ. समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूँ? यस सर. यस सर. और अंदर 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 जो ये वाला जो बना है, देखो गाइस, अंदर जो ये वाला जो बना है, ये वाला चीज उसको मैं लिखता हूँ वी डैश. कोई दिक्कत है? क्योंकि वो बेसिकली था नहीं ना. मेरा फाइनल इमेज कहाँ पे था? फाइनल इमेज कहाँ पे गाइस? दिस इज माय फाइनल इमेज ना. कोई समझ में आ रहा है कि इसको, ये मेरा क्या है, फाइनल क्या है? इमेज है. ये जो इमेज है, ये वाला जो इमेज है ये किसके वजह से बना है? ड्यू टू फर्स्ट सरफेस ना, इसके वजह से ना. ऑब्जेक्ट टाइप दिखेगा उसको. बराबर. रे डायग्राम समझ में आ रहा है तुमको? पहले बात ये समझो. यस सर. इसमें मैं उल्टा कर रहा हूँ. ये एक मैं फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ. ठीक है, मैं वापस बोलता हूँ. यहाँ पे देख, यहाँ पे एक सरफेस था. ठीक है, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट रखा था. इस ऑब्जेक्ट से ये बेसिकली जाके ये ऐसे कुछ यहाँ पे बन जाता. ठीक है, लेकिन मैंने क्या रखा, इसके ही रे के पाथ में मैंने एक दूसरा ऐसे करके रख दिया. बराबर. समझ में आया क्या? तो ऐसे करके रखने के वजह से ये जो रे जो था ना, यहां से वापस रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होके ये ऐसा जाके यहाँ पे इमेज बनी. तो ये मेरा बेसिकली ऑब्जेक्ट था, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, और ये मेरा कौन सा डिस्टेंस था? इमेज. तो ये हो गई मेरी फाइनल, ये मेरी थी फाइनल इमेज. ठीक है, फाइनल इमेज. और ये जो इमेज बनी थी वो ये इंटरमीडिएट, मतलब ये इसके वजह से बनी थी. राइट, ये ऐसे डॉट 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 करके दिखाऊंगा ना. ये वाली कौन सी इमेज थी गाइस? ये कौन सी इमेज थी? अंदर वाली. तो उसको मैं विडेज लिख दिया था. आपको समझ में आ रहा है रे डायग्राम? यस. ठीक है. हाँ, तो अब इसको ना मैं फॉर्मूला में डालता हूँ. मतलब इसको स्टेप वन स्टेप टू में करना है कि नहीं करना है? स्टेप वन एंड स्टेप टू में करना है ना. देखो स्टेप वन क्या होगा गाइस, स्टेप वन क्या होगा इसके लिए, दिस इज इसके, ये सरफेस के लिए मैं लिखता हूँ स्टेप वन. ठीक है, तो स्टेप वन के लिए मुझे बताओ, स्टेप वन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? सपोज मैंने अभी एक काम करते हैं. ठीक है, अभी एक काम करते हैं. सब लोग सुनो, ये अंदर वाला जो सरफेस है ना, इसको पकड़ते अपन कुछ म्यू टू, और बाहर वाले दोनों सरफेस को अपन क्या पकड़ते हैं? म्यू वन. समझ में आ रहा? मतलब ये ऐसा पकड़ लेते हैं, ये ग्लास हो गया.
या कुछ ग्लास या वाटर या कुछ, और बाकी दोनों वाले हम लोग क्या लेते हैं, म्यू वन, इजी केस पकड़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये म्यू वन हो सकता है, म्यू टू हो सकता है, ये म्यू थ्री हो सकता है, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन उसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं, उसके लिए अपने को डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अपन इधर सॉल्व किया था, देखो इक्वेशन सॉल्व किया था, याद है, दो किया था यहाँ पे, दो बार फॉर्मूला लगाया था, देखो बराबर ना, तो वैसे हाँ, तो वैसे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो, अब कोई क्वेश्चन मत पहले पूछो, पहले सिर्फ सुनो, अभी पहले सिर्फ तुमको सुनना है, ठीक है? तो ऐसा पकड़ लेते हैं, ये जो है ये चीज, इस चीज को अपन ले लेते हैं म्यू वन, ठीक है? तो अब मुझे होता पहले स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए, जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया आया है, रुको एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया, अच्छा वाला, सबको मैं रब करता हूं, सब लोग सुनो, एक आइडिया है, सुनो सब लोग, ठीक है? यहां पे देखो पहले ये था, ये एक था ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पे रखा, डिस्टेंस यू था, रेडियस आर वन था, ठीक है? तो यहां से ऐसे गया, यहां पे ऐसे ऑब्जेक्ट बना। अब इसको मैंने लिखा वी डैश, क्या लिखा मैंने, वी डैश। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। और ये इसको था मेरा, ये म्यू वन था, ये वाला जो ये था म्यू टू था, ठीक है, ये था म्यू टू। तो बोला फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू टू बाई क्या, म्यू टू बाई टू बाई वी डैश, वी डैश माइनस म्यू वन बाई माइनस यू, ठीक है? अरे नहीं, अभी मैंने क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव साइन डालने के, अभी अभी के लिए नो no. नहीं, यू को यू रखो, वी डैश को वी डैश रखो, ठीक है? वो पॉजिटिव, मतलब आज तुमको वी डैश में बाद में, क्योंकि अपन फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ध्यान में रखना, ठीक है? इसमें म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय क्या डालेंगे, आर आर वन, ठीक है? तो ये तो हो गया, ये हो गया मेरा वी डैश, ठीक है? अब ये था स्टेप टू। हाँ, अब स्टेप टू में क्या डाल दिया मैंने, इसी के ऊपर और एक सरफेस डाल दिया। मतलब मैं ऐसा रख सकता था, ये सरफेस यहाँ पे रख सकता था, लेकिन उसको मैं डायरेक्टली इसके ऊपर ओवरलैप किया, क्योंकि मुझे क्या बनाना था, लेंस बनाना था। तो मैंने क्या किया, इसी सरफेस को इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर दिया। अब जैसे ही ओवरलैप कर दिया, अब मुझे बताओ, ठीक है, जैसे ही मैंने ओवरलैप कर दिया, अब इसके लिए ये जो वी डैश था वो क्या था, ऑब्जेक्ट था कि नहीं था? क्योंकि रे देखो ना कैसे आ रही थी, यस सर, भाई रे ऐसे आ रही थी ना, एक मिनट मैं वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ इसको, थोड़ा सा मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे करता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली इस सरफेस के ऊपर तो रे कैसे गिरी, ये इंसिडेंट रे है ना, ये भाई, यस सर, ये इंसिडेंट रे है। तो इसके लिए ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, ये क्या डिस्टेंस हो गया, वी डैश जो हो गया सेकंड स्टेप, स्टेप टू के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट हो गया वो, ठीक है? और वो रे कहां से कहां पे जा रही है, स्टेप टू के लिए, मतलब ये रेड के लिए, हाँ, म्यू टू से म्यू वन। तो ये म्यू टू है और ये म्यू वन है, उल्टा होने वाला है, फॉर्मूला ध्यान में रखना तुम लोग भाई। तो फॉर डिवाइस टू ना, हाँ, फॉर डिवाइस टू, भाई एक मिनट रुको, ये किसके लिए अपन लिखा, डिवाइस किसके लिए लिखा, वन, और जो रेड में लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, डिवाइस किसके लिए लिख रहा हूँ, टू। अब डिवाइस टू के लिए जो रे ऐसे जाके फिर थोड़ी सी बेंड होके ऐसे हुई, तो ये जो बना ये मेरा V बना, समझे? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये इधर रिफ्लेक्ट इंडेक्स म्यू वन है, इधर म्यू टू, इधर म्यू वन है, लेकिन फॉर्मूला में ठीक है, मैं सिर्फ पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर, ये फॉर्मूला है। जिसमें अब म्यू टू को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, म्यू वन, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या तुमको ये चीज, पहले वो बताओ। यस सर, क्योंकि ये इसका, और ये फाइनल इमेज, वो म्यू वन, मतलब म्यू टू जो है वो म्यू वन है, फाइनल इमेज कहाँ पे बनी, वी पे, अरे निगेटिव वीडियो नहीं डालना, ठीक है? माइनस म्यू वन क्या था यहाँ पे, म्यू टू, ठीक है? तो वो म्यू टू था डिवाइड बाई यू, क्या है, यू क्या है, वी डैश, बिल्कुल, वी डैश इज इक्वल टू क्या था,
म्यू वन माइनस म्यू टू म्यू टू म्यू वन माइनस म्यू टू म्यू टू डिवाइड बाय इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन आर टू पकड़ लेते हैं तो ये क्या हो गया आर टू इक्वेशन नंबर टू हो गया समझ में आ रहा है थोड़ा सा देखो ये डेरिवेशन ना इसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको अपन ये जो अपन जो इसको लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं ये जो चीज है ये बेसिकली कुछ नहीं है बेसिकली ये सिर्फ आपको एक बार जो डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है बाद में ठीक है नहीं ये पॉजिटिव निगेटिव आदित्य पॉजिटिव निगेटिव साइन बाद में डालनी होती है अभी आर टू को निगेटिव निगेटिव कुछ मत डालो अभी अपन फॉर्मूला बना रहे हैं क्योंकि ये तो मैंने दो सर्फेस के लिए बनाया ना मैं ऐसे भी सर्फेस दे सकता हूँ ना एक सर्फेस ऐसा दूसरा सर्फेस ऐसा ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता क्या कुछ कुछ सर्फेस में ऐसा भी रख सकता हूँ देखो मैं एक ऐसा सर्फेस कर दिया इधर प्लेन सर्फेस कर दिया तो दोनों सर्फेस आर वन आर टू कुछ भी हो सकता है ना तो मुझे इन जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा समझे अब इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को ऐड करो तो क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ कैंसिल क्या बचा म्यू वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू क्या अब म्यू टू माइनस म्यू वन और यहाँ पे म्यू वन माइनस म्यू टू दोनों को एड करना है तो मैं म्यू टू माइनस म्यू वन लिखता हूँ ठीक है और दोनों कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू देखो यहाँ पे यस सर भाई यहाँ पे इसको एक माइनस साइन कॉमन निकाल के यहाँ पे माइनस साइन भी डाल सकते हैं ना अपन मतलब म्यू टू बाई म्यू वन म्यू टू माइनस म्यू वन करो और माइनस साइन कॉमन निकालो और दोनों को ऐड करो समझे ये डेरिवेशन है कोई दिक्कत नहीं आई एम एडिंग दिस टू और म्यू वन को इधर लेके जाओ तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया गाइस वन बाई वी माइनस क्या वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई म्यू वन ऐसा कुछ बना इंटू क्या बना ब्रैकेट में क्या बना वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू याद है क्या तुम लोग अपने बचपन में इसी चीज को हम लोग क्या लिखते थे इसी चीज को हम लोग क्या लिखते थे वन बाय क्या लिखते थे वन बाय एफ एफ और आपको पता था आप लेंस फॉर्मूला में ऐसा लिखते थे वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ याद है अपन यूज करते थे आप लोग लेंस के लिए ये लेंस के लिए आप लोग ये लेंस के यूज करते थे लेकिन जिसमें वन बाय एफ की वैल्यू है कितनी फोकल लेंथ है कितनी म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय म्यू वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय क्या आर टू तो आपको ये पूरे के पूरे डेरिवेशन से इतना याद रखना है बहुत काम का डेरिवेशन है नीट में जेई मेन में डायरेक्टली बहुत सारा पूछा जाता है डेरिवेशन नहीं मतलब इसके ऊपर के क्वेश्चन ठीक है इसको लिखो पहले तुम लोग क्या हुआ सर आपने ये जो सेकंड मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो वी डैश क्यों लिया आई मीन इट शुड बी फ्रॉम द रेड सरफेस नाउ क्या यू हैव टेकन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज वी डैश राइट फॉर द सेकंड डिवाइस बट वो जो रेड सरफेस है उधर से कंसीडर करना चाहिए ना दैट वी डैश माइनस वी होना चाहिए नहीं ना अरे मैंने बोला ना वो थिकनेस जीरो है वहां पे ये जो थिकनेस है ना ये थिकनेस है ही नहीं इसलिए मैंने सारे इधर से लिए रुको ये यहां से लेना है यू भी यहां से लो ये यू यहां से वी डैश भी यहां से समझे तो वो ऑप्टिकल सेंटर है ना अरे हाँ वो ऑप्टिकल सेंटर दिस इज पोल एंड दिस थिकनेस डी इज इक्वल टू जीरो समझे ना तो सर हाँ मतलब एक का मैच दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे हाँ वही तो होगा ना एक मिनट तुम मुझे एक बात बताओ और सो हम लोग ने जो पहले सम सॉल्व किए थे आज इट्स द सेम थिंग एक्सेप्ट इधर एक मिरर और एक लेंस है इंस्टेड ऑफ दो लेंसेस अरे ये मिरर कहां पे है बे यहां पे कौन सा मिरर की बात कर रहे हो तुम दोनों रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है ये मिरर का फार्मूला है क्या मुझे एक बात हाँ बोलो मुझे एक बात बताओ ये एक फर्स्ट सरफेस था जहां से ऐसा रे आया ये रे इधर गया बराबर ना अब मुझे बताओ ये जो रे है ये सपोज इस सरफेस के ऊपर ऐसा गिर रहा है तो मुझे बताओ इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है अपन डॉट 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 करके लिखते हैं ना यहाँ से तो ये डिस्टेंस क्या होता है ये डिस्टेंस क्या होता है गाइस ये मैंने वी डैश लिखा था तो ये वी डैश क्या हो गया यू हो गया ना
हाँ तो मैंने क्या बोला ये d की वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं ना कुछ, तो मैं इसीलिए v को कहाँ से मेजर करता हूँ, इधर से ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ मतलब ऐसा कुछ मान के इधर से v डैश बोलता हूँ, समझा क्या? हित सर यस श्योर। हाँ बोलो सर। अगर हमें ये ऐसा लेंस दिया है, लेंस के अंदर और दोनों साइड बाहर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए है तो हाँ, तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो पर मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं राइट? नहीं तो ऐसा करना ही नहीं ना, वैसे करने के लिए तो फिर पहले हमने जैसे सॉल्व किया तो वैसे करेंगे ना। हाँ पहले जो सॉल्व किया है ना। पर अगर डिस्टेंस जीरो दिया है वो जो दो लेंसेस में है तो क्या करेंगे? तो उसके बाद भी तुमको यहाँ पे कुछ कट नहीं होने वाला ना, म्यू टू म्यू थ्री करना पड़ेगा तुझे। पर अगर डिस्टेंस जीरो है तो हम वो लेंस मेकर फॉर्मूला को दो बार यूज करेंगे, दैट वुड आल्सो बी क्यू। अरे नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला के दो बार करेगा तो यूज, देखो दो रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस है ना, तो ये एक रिफ्लेक्टिव सर्फेस का फॉर्मूला लगा और दूसरा रिफ्लेक्टिव सर्फेस के फॉर्मूला में म्यू टू एंड म्यू थ्री करेगा तू, समझा क्या? यस सर। तो बेसिकली देखो मैं तो मेरे को क्या बोला है, कभी भी फॉर्मूला बेस्ड जो काम होते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड काम होते हैं वो कहाँ पे काम में आते मैक्सिमम? नीट में जेई में के लोअर लेवल पे, बराबर? लोअर एंड मीडियम। जेई में के जो प्रो लेवल हो गया जेई एडवांस में कोई फॉर्मूला काम में नहीं आने वाला है। फॉर्मूला क्या आने वाला है, जो पहले वाले फॉर्मूला था ना रिफ्लेक्शन और उसके अलग अलग जो सोच के करना होता है, इसमें ऐसा लेंसेज विंसेज का वो नहीं आएगा। आएगा लेंसेज में भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं मतलब ऐसे नहीं बोलोगे नहीं आते, लेकिन थोड़े से फिर सोचना पड़ता है उसको, समझे? अब म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री होगा तो अपने कंसेप्ट पे जा। कंसेप्ट क्या था बेसिकली जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, कंसेप्ट कौन सा वाला? हम ऑब्जेक्ट ये वाला चेंज करेंगे। बिल्कुल, एक एक स्टेप वन स्टेप टू दो बार फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, समझे? Yes, understood. Thank you, sir. इसके लिए अलग से करो, उसके लिए अलग से करो, बस इसमें डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस जीरो होगा मतलब डायरेक्टली वही ऑब्जेक्ट जो इधर इमेज बनेगी वही उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, समझे? लेकिन अभी लेंस मेकर फॉर्मूला अभी पहले लिखो, पहले लेंस मेकर फॉर्मूला लिखो सब लोग। सर ये 1 by f का भी डेरिवेशन है क्या कुछ? हाँ ये 1 by f का डेरिवेशन है, फोकल लेंथ का डेरिवेशन है। तो हाँ बोलो सर, ये जो हमने अभी जो फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं दैट इज फॉर दोज लेंसेज हुज बोथ द सरफेसेस हैव डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट? इसको थोड़ा सा आग बंद करके लिखो, अभी ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, मैं अभी तक पढ़ाना बाकी है मुझे, जो पढ़ाऊंगा मैं okay, सब 15 मिनट में तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर। ओके सर। अपने आप हो जाएंगे, पहले लिखो फटाफट। चलो इसको लिखो, दो मिनट लो, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं डायरेक्ट लेंस के ऊपर जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और बाद में जिसको भी ये मतलब मैं लेंस मेकर फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो समझ में जिसको नहीं आ रहा है उसको बाद में एक बार वापस को देख लेना, ठीक है? जरूरत नहीं कि अभी पूरा का पूरा समझ में आने की जरूरत है ऐसा, ठीक है?
अगले लेक्चर में पूरा लेंसेज मिरर सबके कॉम्बिनेशन से लेकर हर एक चीज करवाऊंगा मैं। सर लेंस का फोकस कौन सी साइड आता है? कोई भी साइड में सर, वो डिपेंड करता है ना ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता, वो सब मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जो तुमने भी जो स्कूल में पढ़ा था सब भूल जाओ, ठीक है? स्कूल में जो पढ़ा था तुम सब भूल जाओ, ठीक है? अभी कुछ उसको कुछ याद नहीं रखना है। वहां पे सिर्फ ग्लास और वाटर, ग्लास और एयर रहता था। यहाँ पे ग्लास वाटर के अंदर रखा तो क्या होगा? ग्लास के अंदर मतलब अंदर एयर डाला, मतलब लेंस एयर की है, बाजू में ग्लास है तो क्या होगा? अलग अलग बन सकता है क्योंकि डिपेंड्स अपॉन म्यू वन एंड म्यू टू, दिख रहा है ना तुमको? अभी यहाँ पे पहले देखो सब लोग, पहले फटाफट इसको लिखो, मुझे सिर्फ एक 10-15 मिनट लास्ट का कुछ बोलना है और फिर अपन अगले लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में अपना पूरा का पूरा कंसेप्चुअली चीजें खत्म हो जाएगी, कुछ में क्वेश्चंस से भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है? और पूरा का पूरा सारा का सारा लेक्चर, मतलब जो चार मेन लेक्चर अपने हुए, आज का एक्चुअली वैसे चौथा लेक्चर है लेकिन ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है? क्योंकि मेरे पहला लेक्चर थोड़ा सा वो हो गया था, तो जो फ्राइडे का लेक्चर सुनने के बाद ना आपको और इनसाइट मिलेगा, मतलब अलग अलग अच्छे अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे फ्राइडे के लेक्चर में। तब तक पूरा का पूरा सब कुछ देख के आओ, अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए सब देख के आओ, और आप अमन सर का लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो ना, क्योंकि अमन सर भी रे ऑप्टिक्स ही पढ़ा रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा थेरोटिकली चीजें पढ़ाएंगे तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो उधर भी क्लियर हो जाएगी। घाटकोपर में नहीं आता है वो? नहीं, घाटकोपर में बोर्ड्स का कुछ अलग है ना अभी, मतलब अभी तक मेरा वो डिस्कशन भाविन सर से और रिया मैडम से किसी से भी नहीं हो पाया है घाटकोपर का, ठीक है? घाटकोपर का वैसे भी मैक्सिमम बोर्ड्स का ही जाता है ना, जो तुम्हारे नॉर्मल लेक्चर्स जाते हैं। सर हमारा रोटेशनल का भी एक ही लेक्चर हुआ है घाटकोपर वालों का? हाँ नहीं, रोटेशनल का तो वैसे भी सबके ऊपर एक ही लेक्चर हुआ है, नहीं दो लेक्चर हुआ है मतलब। सर दो पिक्चर जो आपने किए हैं वो यूट्यूब पे है? हाँ है। चलो आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ अब सिंपल सुनो, सब लोग सुनो अभी वो जो भी है, अब जितना भी डेरिवेशन वगैरह अपन ने किया ना भूल जाओ, ठीक है? वो भूल जाओ। अब क्या याद रखना है तुमको मैं बताता हूँ, अब क्या याद रखना है सिंपल। मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के लेंसेज को ड्रॉ करूंगा बाद में, अभी के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला। सो व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस क्या होती है? अब मैं यहाँ पे ना दो लेंसेज जो आपके एकदम फेवरेट लेंसेज थे उसको ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है? लेंसेज बहुत टाइप के होने वाले, ठीक है? ये एक लेंस था और ये एक लेंस था, याद है ना? यही दो लेंस अपन पढ़ते थे। ये म्यू वन था, ये म्यू वन था, ये म्यू टू था। जनरली अपन म्यू वन को एयर लेते थे, मतलब ये म्यू वन है, ये म्यू वन है और म्यू टू है। तुम्हारी बचपन वाली चीजें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 10th ग्रेड में इसको हम लोग बोलते थे कॉन्वेक्स लेंस, बराबर? और इसको हम लोग क्या बोलते थे? कॉनकेव लेंस, ठीक है? तो एक था कॉनकेव और दूसरा था कॉन्वेक्स लेंस, एकदम सिंपल, ठीक है? सिर्फ एक मिनट रुको। तो यहां पे ये दो टाइप की लेंसेज होती थी, बराबर? जिसमें मैंने बोला इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो यहाँ पे ये वाला जो चीज है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 माना मैंने, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 माना मैंने, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 माना मैंने, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 माना मैंने, ठीक है? तो इनके लिए अब मैंने एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके रखा है, 1/v - 1/u = बेसिकली क्या होता था ये बचपन में अपन क्या पढ़ते थे? इक्वल टू क्या करते थे अपन? 1/f। लेकिन ये जो फोकल लेंथ है अब वो किससे मिलेगा? 1/f मिलेगा किससे? तो म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय म्यू वन, 1/r1 - 1/r2। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी जो अपन ने पढ़ा ये जो था इधर तक तो 10th में था ही, और ये सब कुछ 10th में था, बस ये जो फोकल लेंथ होती है, ये फोकल लेंथ कहां से निकलते हैं, कहां से निकलता है उसका एक डेरिवेशन था, और ये जो था इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है? तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, ये लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मुझे इस केस में बताओ, इस केस में, इस फॉर्मूला में
जो पहले केस में आर वन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे आर वन? पॉजिटिव पॉजिटिव भाई, अभी साइन कन्वेंशन। आर टू क्या लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। अब यहाँ पे मुझे बताओ इसमें आर वन क्या लेंगे, आर वन नेगेटिव? नेगेटिव। और आर टू क्या लेंगे गाइस, आर टू क्या लेंगे, क्या लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा मुझे बताओ, आर वन एंड आर टू की वैल्यू चेंज होगी और क्या चेंज होगा? कभी पॉजिटिव, कभी निगेटिव, कभी निगेटिव, कभी निगेटिव, कभी जो भी होगा। ठीक है, पहले तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो चीजें पहले लिखो, ये लिखो फटाफट, जो भी अभी मैंने पढ़ाया लेंस का, इतना ही पढ़ाया। इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी टाइम हो चुका है अपना, 10 मिनट और मैं खींचूंगा, तो क्वेश्चन अपन अगले इसमें करेंगे। पहले मुझे बताओ ये वाला, ये फटाफट लिखो, इसको लिखो, डन सर, सब 1 मिनट। डन सर। डन सर। डन सर। ठीक है, ठीक है। डन सर। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू? ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप होते हैं, मैं यहाँ पे सारे कॉन्वेक्स लेंस के टाइप लिखता हूँ। ठीक है, बाद में इसका ये भी देख लेना तुम लोग, मतलब ये देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप होते हैं, एक तो डायरेक्टली ये वाला कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक जो कुछ ऐसे हो गया, ठीक है, और तीसरा, ठीक है, जो कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, सर ये भी था 10th में। ठीक है, तो ये जो लेंस है, इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, ये अब मुझे होता है यहाँ पे R1 R2 लिया, अब मैंने यहाँ पे R1 R2 लिया और यहाँ पे R1 एंड R2 लिया। ठीक है, और अंदर ग्लास है, तो अब समझ रहा हूँ ना, म्यू टू एंड म्यू वन, मतलब ये म्यू टू है और बाजू में म्यू वन है, सबके लिए सेम, म्यू टू बाजू में म्यू वन, ये म्यू टू मतलब बाजू में म्यू वन, अब इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ इस केस में लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू क्या होता है, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे अपन? 1/R1 - R2। अब मुझे बताओ यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव R1 की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। R2 की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे मुझे बताओ R1 की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव। R2 की वैल्यू क्या लेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। R2 की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब कुछ डाल के अपन इसमें ये निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? नाउ यहाँ पे एक केस ये होता है, इफ इफ R1 इज इक्वल टू R2, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? Yes, कॉन्वेक्स का मतलब क्या, दोनों का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो गया ना, समझे? Yes, तो ये हो गए कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, नॉर्मल। ये इक्वी कॉन्वेक्स कब होता है, जब रेडियस दोनों सेम होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। बस लेकिन इसमें R1 R2 की वैल्यूज ही उस तरीके से डालनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस के 3 टाइप्स हो गए। यस सर। ड्रॉ करो इनको, ड्रॉ करो।
कॉन्केव लेंस करेंगे? यस सर। लिखो 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 पहले इसको, लिखो इसको, लेके अगले लेक्चर में मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो लेंसेज के कुछ क्वेश्चंस, फिर लेंसेज मिरर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि प्रॉपर जेई वगैरह में अच्छे से आता है, फिर हो गया खत्म। सो बोलो। सो मतलब जो लेंस है, सो जिस डायरेक्शन से उसे इंसिडेंट रे पड़ रही है, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग लाइक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। Like in the first one, if we take it from the left hand side, so convex ho jayega, that's why it's positive, right? Kya positive? The radius of curvature. Ek minute. Tu kaise kaise bola? Kisne tu wapas dekh acche se. Ye R1 hai, to ye kaun se sphere? Sphere kis taraf? Is taraf hai na, center idhar hoga na? Okay. To ye wala hai, to sphere idhar hoga na? So this side hum log positive liya hai. Okay, samjha. भाई समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को, या बताओ? समझ में आ रहा है सर। नहीं सर, समझ में आ रहा है। ये मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ, ये जो रेडियस है, ये इसका इधर के स्फीयर का पार्ट है ना वो, समझा? तो इधर का स्फीयर है, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव हो गया, यहाँ का निगेटिव हो गया। तो गलतियां मत करो। यस सर। ठीक है, इसके बाद कौन सा? डन हो गया, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो सर। आई हैव अ डाउट, कैन यू प्लीज चेक चैट्स? हाँ नहीं, अभी तेरा आवाज आ रहा है, बोल क्या डाउट है। सर वो ग्लास सिलेंडर के केस से रिलेटेड था। हाँ क्या था? सर जो रेज होती है, अगर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करे या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करे, दोनों में वर्चुअल इमेज पॉसिबल होता है ना? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, तो अभी दूसरा कौन सा बचा? कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस, अब ध्यान में एक चीज रखना है, कॉनकेव लेंस में ना इस टाइप का आता है, देखो ये होता है, तो कभी भी ना एक चीज ध्यान में रखना, मतलब फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा आया कहां से। ठीक है, जैसे कि इसमें रेडियस R1 R2 हो गया, ठीक है, कैसे होता है ना, देखो ये जो होते हैं ना, ये सारी चीजें ना इंटरसेक्टिंग से बनती है, मतलब दो स्फीयर्स का इंटरसेक्शन हो रहा है। मतलब जैसे कि पहला वाला कैसे, कौन से स्फीयर का हो रहा है? फर्स्ट वाला कौन से स्फीयर का इंटरसेक्शन हो रहा है? एक ऐसा स्फीयर, बराबर ना? Yes, sir. तो इंटरसेक्शन हो गया, तो ये बन गया, ये R1 बन गया, R2 बन गया। इसमें कौन सा इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका कौन सा इंटरसेक्शन हो रहा है? एक स्फीयर विथ प्लेन, देखना, तो इंटरसेक्शन हो रहा है। इसमें भी कैसे, इसका कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है? एक ऐसा बड़ा वाला स्फीयर, एक ऐसा छोटा वाला स्फीयर, दो इंटरसेक्शन हो रहा है, बराबर ना? देखो ये और ये इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, सब जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है। देखो ये, जिससे मेरे को क्या मिल गया, कॉन्वेक्स मिल गया। कॉन्वेक्स जब इंटरसेक्शन होता है तो कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है। अब सपोज इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे ये कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है इसमें, देखो ये स्फीयर अपना अलग है, ये स्फीयर अपना अलग है, There is no intersection. तो ये क्या बन गया, कौन सा बन गया इसमें? Concave. Concave बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक sphere है और ये एक plane surface है, intersection हो रहा है क्या इसमें? No, नहीं no, हो रहा है, तो कौन सा बन गया? तो मतलब basically यहाँ पे क्या बन गया, ऐसा चीज प्लेनो कॉनकेव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बाई कॉनकेव, ये क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अब सपोज इसमें एक स्फीयर ऐसा है और दूसरे इसके अंदर एक दूसरा स्फीयर ऐसा है, समझ रहे हो? Yes, sir. तो एक सरफेस ऐसा है, हाँ दूसरा सरफेस कुछ ऐसा है, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब इसमें भी तुम मुझे बताओ कि सपोज मैंने R1 R2 और यहाँ पे R1 R2 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो R1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे R1 की वैल्यू नेगेटिव, R2 की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे R1 की वैल्यू नेगेटिव, R2 की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से अपन ने टर्म्स लिखे हुए हैं, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक
ठीक है, तो मैंने अलग अलग टाइप के कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स और ये सब कुछ लेंसेज बता दिए, ठीक है, ये लेंसेज मैंने बता दिए, ठीक है। अब कितना हुआ 529, एक आध सम दू अगले लेक्चर में करो, अगले लेक्चर में सर, अगले लेक्चर में सर, ज्यादा ज्यादा हो गया क्या आज? चलो ठीक है, एक काम करते हैं अगले लेक्चर में कर लेते। देखो एकदम सिंपल चीज है, मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ये लिखो तुम लोग, मैं लिखने का टाइम देता हूँ। मतलब मैं ऐसा एक रेडियस, देखो ऐसा ऐसा लेंस दूंगा, अब रेंज में मैंने बोला कि ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये रेडियस वैसे 20 सेंटीमीटर है, ये म्यू है सपोज कुछ 3/2 और ये म्यू बाजू में 1/1 दिया है, तो मुझे बताओ पहले तो आप लोग क्या निकालोगे, बताओ इससे क्या निकालोगे? एफ, एफ निकालेंगे कि 1/f is equal to म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय म्यू 1, 1/r1 - 1/r2 बराबर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने दिया है, फिर एक ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 1/v - 1/u = 1/f, तो u दिया है, u को नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है यहाँ पे करके v निकाल देने का आंसर आ गया तुम्हारा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वही वही लेंस मैंने ऐसे रख दिया, वही लेंस मैंने ऐसे रख दिया, तो यहाँ का r1 दिया रहेगा, यहाँ का r2 दिया रहेगा, वही म्यू व्यू दिया रहेगा, पहले 1/f निकालो, सेम फॉर्मूला लगाओ, समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे जो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर लेंस मिरर सब एक साथ, फिर लेंस भी इधर रखा हुआ है, मिरर यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, क्या होगा इधर का ऑब्जेक्ट इधर का, मतलब डिवाइस नंबर 1, डिवाइस नंबर 2, डिवाइस नंबर 3, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, ऐसा कुछ हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बेसिक समझना बहुत जरूरी है। चलो इसको लिखो और फिर खत्म कर दो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो, मतलब बाद में लिखो मतलब क्या, 2 मिनट का काम है, ठीक है गाइस? तो और पूरे के पूरे सारे लेक्चर देख के आना, मैसेज भेज दूंगा, ठीक है, पूरे के पूरे लेक्चर अब तक जितने भी हुए रे ऑप्टिक्स के उतने करके आना। सर आप इसकी इमेजेस भेज सकते हो? इमेजेस हमें पीपीटी भेज सकता हूँ, ठीक है, पूरी। थैंक यू सर, बाय सर, चलो बाय सर, थैंक यू सर, 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 बाय सर, सर एक डाउट था। हाँ बोल सर, अगर एक रूम है उसके अंदर सब वो कांच से बना हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है पूरा अंदर से, एंड उसके अंदर अगर अपन ने लाइट लगाया एंड थोड़ी देर के लिए लगा के छोड़ दिया, तो सर वो लाइट ऑफ करने के बाद भी कंटिन्यूअसली रूम ब्राइट ही रहना चाहिए ना, क्योंकि वो लाइट बाउंस होके इधर उधर रिफ्लेक्ट हो के रूम ब्राइट ही रहना चाहिए ना। एक मिनट मैंने सुना नहीं, तू क्या बोला, सॉरी मैं कुछ पढ़ रहा था, बोल। हाँ क्या बोल रहा था सर? अभी सपोज एक अपन ने रूम बनाया, वो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बना हुआ है अंदर से, तो उसके अंदर सपोज अपन कोई लाइट जलाते हैं एंड थोड़ी देर जलाने के बाद में बंद कर दे रहे हैं, तो सर कभी भी रूम ब्राइट रहना चाहिए ना, क्योंकि वो कांच से रिफ्लेक्ट होके पूरा रूम रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट कंटिन्यूअसली, एनर्जी है ना वो फोटॉन्स है बेसिकली, अपन बाद में मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे कि लाइट इज समथिंग बट नथिंग बट फोटॉन्स, एनर्जी है वो। एक बार तूने एनर्जी वहां से वो निकली और वो लाइट के फॉर्म में इधर उधर रिफ्लेक्ट होके जा रही है और वो सपोर्ट डैम्प नहीं हुई तो ब्राइट ही रहेगा। ठीक है, डैम्प का मतलब क्या होता है? एनर्जी लॉस होना, पता है ना, वो सरफेस के ऊपर गिरती है तो गरम होता है सरफेस। हाँ सर, जब लाइट गरम होता है इसका मतलब क्या है? वो उसके ऊपर गिर के उसका हीट हीट में एज ए हीट डिसिपेट होता है। ओके सर, थैंक यू, ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो सर, सर सर सर,